<laughs> अरे मैं चिंता क्यों कर रहे हैं, तो कर रहे हैं एक जानते है मेरे बाप कौन है भाई साहब कौन नहीं जानता है 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे उनकी किताब पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ आप पारसी नहीं है आप पारसी नहीं है? है आप दादा भाई नोरू जी के बेटे मतलब ये ये रोड आपके बाप की नहीं है मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है क्या फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल करते हुए शर्म नहीं आती तोनू हेलो कैसे पार देना पाजी फर्ज करो पार ए रोड मेरे बाप दी हुंदी फिर ते मैं उन नु भी फाड़ लंदा आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है शाबाश सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना फिल्म के बारे में तो चांदनी चौक टू चाइना फिल्म दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है सालों बाद सिद्धू बड़े हो गए हैं और सब्जियाँ काटने में माहिर हैं जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चापिस्ट उसे यह विश्वास दिलाता है कि वो मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू सेंग का पुनर्जन्म है तो सिद्धू ने झांगे जिले की यात्रा करने की जिम्मेदारी ली है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करना पड़ा है और मजबूर होना पड़ा है तो सूजी का नाम किसी अर्ध पागल भिकारी से दोस्ती कर लो और वास्तुता अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मृत्यु का सामना करना होगा चांदनी चौक टू चाइना सन 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित है और इसमें अक्षय कुमार दीपिका पातकों जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और हांगकांग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन ल्यू भी शामिल हैं सितारे चीन में शूट होने के अलावा फिल्म के कई हिस्सों को बैकाक थाईलैंड में भी शूट किया गया है हालांकि चीन के कुछ दृश्य शंघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर शूट किए गए थे ये फिल्म दिल्ली के चांद चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है जो कि खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाते हैं क्योंकि वो एक उत्पीड़ित गांव के निवासी उसे एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं अमेरिका में वितरित और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सह निर्मित किया गया है यह सोनी के सामरिया 2007 और वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के एनिमेटेड पिक्चर्स शोट साइड्स रोमियो 2008 के बाद एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ साझेदारी में बनाई गई थी और वितरित की गई थी तीसरी बॉलीवुड फिल्म है ये वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली फिल्म है जो कि 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लाप रही थी इंडिया गेम्स ने फिल्म को आधारित एक मोबाइल वीडियो गेम पर पर इसे जारी किया तो फिल्म की शुरुआत द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक योद्धा ल्यू सेंग के साथ युद्ध की कहानी से होती है ये इतने वर्षों के बाद झांगी गांव में दुष्ट होजो के अत्याचार को भी दर्शाता है सिद्धू दिल्ली के चांदी चौक इलाके में सड़क के किनारे खाने की दुकान पर सब्जी काटने वाला एक मामूली व्यक्ति है जो अपने पालक पिता दादा के उपदेशों के बावजूद ज्योतिषों कार्ड रीडरों और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो अजनबी उसे युद्ध नायक ल्यू सेंग के पुनर्जन्म के रूप में दावा करते हैं और उसे चीन ले जाते हैं तो चालबाज चापिस्ट द्वारा प्रोत्साहित किए गए सिद्धू का मानना है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा वो हो जो यात्रा के लिए उसे हत्या तस्कर हत्या के लिए अपनी भारती से अनजान है सिद्धू चापिस्ट के साथ चीन की यात्रा करते हैं रास्ते में उसकी मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है जिन्हें स्त्री टेलीसार्प मीडिया या सुश्री टी एस एम के नाम से जाना जाता है जो चीन में भी दिखाई देती हैं उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फेटेले मेव मेव के नाम से भी जाना जाता है होजो के लिए काम करती हैं और उसे नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश की थी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सिद्धू शुरू में होजो से बच निकलता है हालांकि सिद्धू को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई का एहसास होता है और दुखी होकर सिद्धू ने होजो से माफ़ी मांगी है तभी दादा आते हैं और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देते हैं होजो दादा को मार देते हैं और सिद्धू एक हारी हुए व्यक्ति के रूप में सामने आ जाते हैं इसके अलावा होजो द्वारा उसे पीटा जाता है और उस पर पेशाब किया जाता है घायल और अपमानित सिद्धू ने बदला लेने की कसम खाई है तीन महीने बाद सिद्धू का सामना एक भूलने वाले आवारा व्यक्ति से होता है जिसे वो बाद में इंस्पेक्टर चियांग के रूप में सखी के रूप में पहचाने जाते हैं चियांग ने बाद में अपनी यादाश्त तो वापस पा ली है और सिद्धू को कुंग फू का प्रशिक्षण दिया है जब होजो फिर से सिद्धू से मिलते हैं तो सूजी चियांग को घायल कर देती हैं लेकिन सखी को देकर होजो को धोखा देती है सिद्धू होजो से एकल युद्ध में लड़ते हैं और अंत में उस पर काबू पाने के लिए संशोधित सब्ज़ी काटने की तकनीकी का उपयोग करते हैं एक बड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार सिद्धू ने होजो को मार डाला है और इसके बाद सिद्धू ने चीन में एक सब्जी की दुकान खोलते हैं लेकिन उसे कुछ अफ्रीकी पिगमीज के लिए लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है तो इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर टेमेटोज पर उनसठ आलोचकों में से बयालीस परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.2 रही है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा गया है कि इस बॉलीवुड क्रास और कॉमेडी में हाई एंटेक्शन, डांसिंग और एक्शन द्वारा एक पतली कहानी छिप गई है तो मेटा क्रिटिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करते हैं और बाईस आलोचकों के आधार पर फिल्म को सौ में से चवालीस का स्कोर दिया जाता है जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है और यू एस ए टूडे की क्लाउडिया पुइंग ने कहा है कि यह भारतीय चीनी सिनेमाई मिश्रण पसंद करने योग्य और मनोरंजक है लेकिन लंबे समय तक चलने वाले और कभी कभी आकर्षक हैं और कुमार का शारीरिक हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है तो वैरायटी के जॉन एडरसन ने लिखा है कि अगर चांदनी चौक टू चाइना एक व्यक्ति होता तो उसे बेलियम की आवश्यकता होती और पाया है कि सब कुछ तेज और उग्र प्रफुल्लित करने वाला आनंदपूर्ण और उन्नतम है कुछ अनुक्रम काफी सुंदर है और दीप का पादकोण के डांस नंबरों के मामले में आश्चर्यजनक है लेकिन यह लड़ाई के दृश्य में जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड के फ्रैंक लवेस ने लिखा है कि पैन एशियाई म्यूजियन डिस की तुलना में बॉलीवुड बोन बोन कम भारतीय संगीत और चीनी चाकी का यह संयोजन फिर भी स्वादिष्ट मजा है द फिलेडिफिल इंक्वायरर के स्टीवन राय ने कहा है कि चांदी चौक लगभग 30 मिनट तक मनोरंजन रूप से नासमझ रहती है और फिर अगले दो घंटों से अधिक समय तक पीड़ादायक रहती है द ओनियन के टोवियास ने फिल्म को बेवकूफ स्क्री जोफेनिक सांस्कृतिक रूप से अवसदनशील भयानक गति वाली और न्यूनतम आम भाजी को बढ़ावा देने में विश्रम के रूप में वर्णित किया गया है जबकि इंटरटेनमेंट के ओवेन ग्लिवरन मैन ने कहा है कि सर सपाट दौड़ने वाला हाथी है और चापसा की रिवेज ऑफ द नृत्य संगीत में गीतात्मक कोरियोग्राफिक सुंदरता का अभाव है जिसने ऐसी स्टेट साइड बॉलीवुड रिलीज को भव्य लगान के रूप में चिन्हित किया है शिकागो ट्यूबन के माइकल फिलफिंस ने फिल्म को बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार के लिए एक विशाल और थका देने वाला शोकिस कहा है भारतीय समीक्षा के तरण आदर्श ने फिल्म को पांच में से डेढ़ स्टार की रेटिंग देते हुए एक बड़ी बड़ी गिरावट कहा है आई के राजीव मसन ने अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे थका देने वाली घड़ी भी बताया है तो फिल्म को एक पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है जिसमें मार्च 2009 में आयोजित तीसरे एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दीपिका पादकों को नामांकित किया गया है तो नेपाल में इस दावे के कारण फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था जो कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था लुम्बनी जो बुद्ध का जन्म स्थान है नेपाल में स्थित है विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल में कई शो रद्द कर दिए गए थे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म दिखाने वाले सिनेमाई घरों को जलाने की भी धमकी दे डाली थी और भारतीय सिनेमाई ने खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसी नक्सली टिप्पणियाँ भी की गई थी नेपाली वितरक द्वारा नेपाल में दिखाई गई फिल्म के प्रतियों में बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन के अंश को हटाने के लिए बावजूद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था जिसे 22 जनवरी का नेपाली सिनेमाई गृह में चांदी चौक टू चाइना की स्क्रीन बंद कर दी गई थी नेपाल विवाद के कारण अभिनेता शेखर सुमन ने कुछ अपमानजनक और असभ्य टिप्पणी के साथ फिल्म की आलोचना की है उन्होंने ये भी कहा है कि यह फिल्म निखिल आडवाणी की एक नौसिखिया प्रयास है और इसे सबसे खराब फिल्म करार दिया गया है ज्यादातर अक्षय कुमार के समर्थकों खासकर निखिल आडवाणी ने यह कहा है कि सुमन के बेटे अध्ययन के ने उनकी फिल्म राज दिस्ट्री कंट्रीन्यूज कलीज के लिए में लाने के लिए एक प्रचार स्टंट था सुबन ने दावा किया है कि जब आप चाइना और एक योद्धा लियू के साथ जो युद्ध की कहानी से होती है यह इतने वर्षों के बाद झांगे गांव में दुष्ट हो जो के अत्याचार को भी दर्शाता है सिंधेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदी चौक इलाके में सड़क के किनारे खाने की दुकान पर सब्जी काटने वाला एक मामूली व्यक्ति है जो अपने पालक पिता दादा के उपदेशों के बावजूद ज्योतिषों टेरो कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो अजनवी उसे युद्ध नायक लियू सेंग के पुनर्जन्म के रूप में दावा करते हैं और उसे चीन ले जाते हैं तो चालबाज चापिस्ट द्वारा प्रोत्साहित भी किए गए हैं सिद्धू का मानना है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा वो तस्कर हो जो की हत्या के लिए अपनी भर्ती से अनजान है तो सिद्धू चापिस्ट के साथ चीन की यात्रा करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है जिन्हें सुश्री टेली सापर्स मीडिया या सुश्री टी एस एम के नाम से जाना जाता है जो चीन में दिखाई देती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल पेटल मेओ मेओ के नाम से भी जाना जाता है होजो के लिए काम करती है और उसे नहीं पता है कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश की थी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सिद्धू शुरू में होजो से बच निकलता है हालांकि सिद्धू को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई का एहसास होता है दुखी होकर सिद्धू ने होजो से माफ़ी मांगी तभी दादा आते हैं और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देते हैं होजो दादा को मार देता है और सिद्धू एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में सामने आ जाता है इसके अलावा होजो द्वारा उसे पीटा जाता है और उस पर हिसाब किया जाता है घायल और अपमानित सिद्धू ने बदला लेने की कसम खाई तीन महीने बाद सिद्धू का सामना एक भूलने वाले आवारा व्यक्ति से होता है जिसे वो बाद में इंस्पेक्टर चियांग के रूप में सखी के रूप में पहचानता है चियांग ने बाद में अपनी यादाश्त वापस पा ली है और सिद्धू को कुंग फू का प्रशिक्षण दिया है तो जब होजो फिर से सिद्धू से मिलता है तो सूजी चियांग को घायल कर देती है लेकिन सखी को देखकर कर होजो को धोखा देता है सिद्धू होजो से एक एकल युद्ध में लड़ता है और अंत में उस पर काबू पाने के लिए संशोधित सब्जी काटने की तकनीकी का उपयोग करता है एक बड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार सिद्धू ने होजो को मार डाला इसके बाद सिद्धि सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है लेकिन उसे पिग के लिए लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है तो फिंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो सिद्धेश सिद्धू शर्मा लियो सेंग के रूप में अक्षय कुमार दोहरी भूमिका में हैं सखी मिस्टी एस एम और सूजी म्याओं म्याओं के रूप में दीपिका पादकोंट दोहरी भूमिका में है चाबिष्ट के रूप में रणवीर सौरी है दादा श्री शर्मा के रूप में मिथुन चक्रवर्ती है रोजर युवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कोहंग के रूप में हैं, होजो के रूप में गार्डन लियू हैं चियांग की पत्नी के रूप में किरण जुनेजा हैं फ्रेंकी के रूप में केविन बू हैं और जाय के रूप में कानन स्टीवंस हैं फिल्म जिसे पहले मेरा नाम चीन चीन चू और मेड इन चाइना के नाम से भी जाना जाता है श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई है शूटिंग जनवरी 2008 में हुई और इसमें चीनू में शामिल किया गया था तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो चांदी चौक टू चाइना ने अपनी शुरुआती सप्ताह में 330 मिलियन यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और इसने भारत में कुल मिलाकर 407 मिलियन यूएस 5.1 मिलियन की कमाई की है चार सप्ताह तक चलने के दौरान फिल्म की उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई नौ थी और दुनिया भर में कुल कमाई तेरह हजार करोड़ तैंतालीस लाख 9480 थी तो आइए जानते हैं इस फिल्म के समीक्षा के बारे में स्वीकृता के बारे में और आलोचना तो आइए जानते हैं इस फिल्म की स्वीकृति रेटिंग के बारे में तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर राट एंड टमेटोज पर उनसठ आलोचकों में से बयालीस परसेंट समीक्षाएँ सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.2 रही है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा गया है कि इस बॉलीवुड क्रास ओवर कॉमेडी में हाई अटैक्शन डांसिंग और एक्शन द्वारा एक पतली कहानी छिपी हुई है तो मेटा क्रिटिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है ने बाईस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 44 का स्कोर दिया है जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है यूएसए टुडे की क्लासियोडिया पुइंग ने कहा है कि यह एक भारतीय चीनी सिनेमाई मिश्र संवाद प्रसन्न करने योग्य है और मनोरंजक भी है लेकिन लंबे समय तक चलने वाला और कभी कभी आकर्षक है और अक्षय कुमार का शारीरिक रहस्य और हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है वैरायटी के जॉन एंडरसर ने लिखा है कि अगर चांदनी चौक टू चाइना एक व्यक्ति होता तो उसे वेलियम की आवश्यकता होती और पाया कि सब कुछ तेज और उग्र प्रफुल्लित करने वाला उन्मादपूर्ण और उन्नतम है कुछ अनुक्रम काफ़ी सुंदर हैं और दीपिका पातकोण के डांस नंबरों के मामले में आश्चर्यजनक है लेकिन यह एक लड़ाई के दृश्य हैं जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं न्यूजेंड के फ्रैंक लेवेस ने लिखा है कि पैन एशियाई म्यूजियम डिस की तुलना में बॉलीवुड बोन बोन कम भारतीय संगीत और चीनी चापसाकी का यह संयोजन भी है तो स्वादिष्ट और मजा भी है द फील्ड लिफिया और इनक्वायरर के स्टीवन राय ने कहा है कि चांदी चौक टू चाइना लगभग तीस मिनट तक मनोरंजन के रूप में ना समझ रहती है और फिर अगले दो घंटे से अधिक समय तक वो पीड़ादायक रहती है द ओनियन के स्काट टोबियास ने फिल्म को बेकूफ़ सिक्रोजो फिनिक संस्कृति के रूप में असंवेदनशील भयानक गति वाली और न्यूनतम आम भाजक का बढ़ावा देने में बेशर्म के रूप में वर्णित है जबकि इंटरटेनमेंट वीकली के ओवन ग्लीवरमैन ने कहा है कि यह एक सरपट दौड़ने वाला हाथी है चापसा की रिवेज ऑफ द नेट्स अर्ध संगीत में गीतात्मक कोरियोग्राफिक सुंदरता का अभाव है जिसने ऐसी स्टेट साइड बॉलीवुड रिलीज को भव्य लगान के रूप में चिन्हित किया है तो शिकागो ट्यूबेन के माइकल फिलिपिंस ने फिल्म को बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार के लिए एक विशाल और थका देने वाला शोकेस कहा है तो भारतीय समीक्षा तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की रेटिंग देते हुए एक बड़ी 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 गिरावट कहा है आई बी एन के राजीव मसन्नी अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे थका देने वाली घड़ी बताया है तो फिल्म को एक पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है जिसमें मार्च 2009 में आयोजित तीसरे एशियाई फ़िल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दीपिका पातकों को नामांकित किया गया था नेपाल में इस दावे के कारण फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था लुम्बनी जो बुद्ध का जन्म स्थान है नेपाल में स्थित है विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल में कई शो रद्द कर दिए गए थे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म दिखाने वाले सिनेमाई घरों को जलाने की धमकी दी थी और भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसी नस्ली टिप्पणियाँ की गई थी नेपाली वितरक द्वारा नेपाल में दिखाई गई फिल्म की प्रतियों में बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन के अंश को हटाने के बावजूद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था जिसे 22 जनवरी को नेपाली सिनेमाए गई थी नेपाल विवाद के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने कुछ अपमानजनक और असभ्य टिप्पणियों के साथ फिल्म की आलोचना की है उन्होंने ये भी कहा है कि यह फिल्म निखिल आडवाणी का एक नवसिखिया प्रयास है और इसे सबसे खराब फिल्म करार दिया है ज़्यादातर कुमार के समर्थकों खासकर निखिल आडवाणी ने कहा है कि सुमन के बेटे अध्ययन को उनकी फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज की रिलीज़ के लिए सुर्खियों में लाने के लिए एक प्रचार रंट था सुमन ने दावे का जवाब दिया है कि यह कोई प्रचारकार नहीं था और बाद में उन्होंने इसके लिए अक्षय कुमार से माफ़ी मांगी है चांदनी चौक टू चाइना का संगीत 4 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था इस एल्बम में शंकर एहसान लाय कैलाश परेश नरेश बप्पी लहड़ी बप्पी लहड़ी और बोहेमिया जैसे विविध संगीतकार शामिल थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल गाने हैं आठ जो इस प्रकार हैं नंबर एक सिद्धू इसे गाया है कैलाश खेर कैलाश खेर जी ने और नंबर दो चांदी चौक टू चाइना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान राय नीरज धर अनुष्का मनचंदा शंकर महादेवन जी ने गाया है नंबर तीन इंडिया से आया तेरा दोस्त की इसे गाया है बप्पी लहरी रजत अरोड़ा और रवि के त्रिपाठी जी ने नंबर चार तेरा नैना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाय और शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल जी ने गाया है नंबर पाँच चक ले दे इसे गाया कैलाश खेर नरेश परेश जी नंबर छ चांदनी चौक टू चाइना इसे गाया है बोहेमिया और अक्षय कुमार आस्था गिल जी नंबर सात चांदनी चौक टू चाइना रीमेक्स इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाए और डीजे ए मिथक जी ने इसमें अपनी आवाज को बुलंद किया है नंबर आठ चक ले दे इसे गाया है कुमार कैलाश खेर ने डीजे ए मिथक ने नरेश परेश जी ने तो फ्रेंड्स बॉलीवुड हंगामा कॉम के जोगिंदर टुटेजा ने इसे पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग देते दे हुए कहा है कि चांदी चौक टू चाइना स्पष्ट रूप से अगली म्यूजिकल हिट फिल्म होगी चांदी चौक टू चाइना फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी जी ने तो निखिल आडवाणी जी एक भारतीय निर्देशक निर्माता और पठक कथा लेखक हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने अपनी बहन मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ मनोरंजन कंपनी एमए ए इंटरटेनमेंट की सा स्थापना की है तो फ्रेंड्स इनका जन्म निखिल सुरेश आडवाणी जी का जन्म 28 अप्रैल 1971 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनका व्यवसाय है निर्देशक निर्माता पठक कथा लेखक हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है सुपर्णा गुप्ता और इनके बच्चे हैं एक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का जन्म और पालन पोषण बॉम्बे महाराष्ट्र में भारत में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था उनके पिता एक सेवानिवृत्त पेशेवर हैं और जिन्होंने रसायन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम किया है और उनकी मां एक विज्ञापन पेशेवर हैं उनके पिता सिंधी हैं जबकि माँ महाराष्ट्रियन हैं उन्होंने ग्रीन लांस हाई स्कूल, व्रिज कैंडी में अध्ययन किया है और बाद में सेंट जूवियर्स कॉलेज मुंबई से रसायन विज्ञान में स्नोत्तर किया है उन्होंने अपनी कॉलेज मित्र सुपर्णा गुप्ता से शादी की है जिनसे उनकी एक बेटी क्या है आडवाणी दिवंगत निर्माता एन एन सीपी के पोते और अभिनेता तुषार कपूर और निर्माता एकता कपूर के दूसरे चचेरे भाई हैं उनकी पत्नी सुपर्णा गुप्ता एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं अग्नि सामाजिक उद्यमिता के लिए अशोका फेलोशिप दो हजार नौ की विजेता हैं उन्होंने हावर्ड कैंडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट दो हज़ार बारह में एडवर्ड एस मेसन फेलो के रूप में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और एक गैर लाभकारी संगठन आंगन की हिस्सा स्थापना की जो बाल तस्करी बाल विवाह पर काम करता है और बाल श्रम पर तो आइए जानते हैं निखिल आडवाणी जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का फिल्मी सफ़र और करियर पच्चीस साल से ज़्यादा का है उन्होंने आर्ट हाउस फिल्म निर्देशकों सईद मिर्जा कुंदन शाह और सुधीर मिश्रा की सहायता करना शुरू किया इसके बाद उन्होंने करण जौहर के पिता दिवंगत एस जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स के तहत काम किया। आडवाणी ने अपनी शुरुआत नया नुक्कड़ उन्नीस के निर्देशन में सईद और अचीज मिर्जा की सहायता करके इस रात की सुबह नहीं सन उन्नीस के लिए सह पठक कथा लेखक के रूप में उनकी पहली पारी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया है तब तक वो एक सहायक निर्देशक थे और उन्होंने करण जौहर को उनकी पहली दो निर्देशित परियोजनाओं में कुछ कुछ होता है सन उन्नीस और कभी खुशी कभी गम 2001 में सहायता की थी नीलम सो सीक्वेंस के के दौरान फराह खान साथ आडवाणी ने कुछ कुछ होता है में अभिनय अतिथि की भूमिका निभाई थी और इसी तरह उन्होंने मोहब्बत दो में आदित्य चोपड़ा की सहायता की है आडवाणी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म कल हो न हो 2003 से अपने निर्देशन की शुरुआत की है यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें जया बच्चन शाहरुख खान सैफली खान प्रीति जिंटा सुषमा सेठ रीमा लागू लिलेट दुबे ने अभिनय किया है और डेलराज पाल सहायक भूमिकाओं में है फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और यह एक व्यवसायिक रूप से सफल रही है और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी यह कई विषयों के जाति विवाद और विवाह ला इलाज बीमारी और समलैंगिकता और समलैंगिक संबंधों के माध्यम से समलैंगिकता इसने 2004 में दो राष्ट्रीय पुरस्कार और आठ फिल्म पुरस्कार सहित तेरह अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार छह प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार तीन पु स्क्रीन पुरस्कार और दो जी सिने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं तो सलाम एश्क दो के लिए निखिल आडवाणी ने निर्देशन और पटक कथा लिखी है निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी इसमें सलमान खान प्रियंका चोपड़ा अनिल कपूर जूही चावला अक्षय खन्ना आयशा टाकिया जैसे कलाकार शामिल थे जान अब्राहम विद्या गोविंदा सैनन एसरा सोहेल खान और ईशा कोपिकर मुख्य भूमिकाओं में थी फिल्म अपने अंदर मौजूद लोगों के रिश्तों की बदौलत छह प्रेम कहानियों को एक साथ बुनती है यह फिल्म कल हो ना हो 2003 के बाद बुनती है और यह फिल्म आडवाणी की दूसरी निर्देशित फिल्म थी और हॉलीवुड फिल्म लव एक्चुअली 2003 की अनौपचारिक रीमेक थी 2009 में निखिल आडवाणी ने चांदी चौक टू चाइना का निर्देशन किया है जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हांगकांग के एक्स सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू के साथ अक्षय कुमार और दीपिका पातकोण मुख्य में थी फिल्म दिल्ली के चिया चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द घूमती है जो खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाते हैं, क्योंकि एक पीड़ित गाँव के निवासी उसे एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं फिल्म को अमेरिका में वितरित किया गया था और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सह निर्मित किया गया था यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है इसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई और यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने मिलाप जेवरी द्वारा निर्देशित बॉलीवुड साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म जाने कहाँ से आई है दो का निर्माण किया है इसमें रितेश देशमुख जैकलीन फर्नाडीज, सोनल साहगल और रुसलाल मुमताज मुख्य भूमिका में हैं। 2009 में निखिल आडवाणी ने शीर्षक भूमिकाओं में ऋषि कपूर डिम्बल कपाड़िया अक्षय कुमार अनुष्का शर्मा अभिनीत पटियाला हाउस 2011 की कहानी और पटक कथा का निर्देशन और लेखन भी किया है निखिल आडवाणी की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता है जिनकी बच्चों की फिल्म दिल्ली सफारी दो भारत की पहली थ्री स्टीरियोस्कोपी एनिमेशन पिक्चर थी इसने वन्य जीव संरक्षण की वकालत की और वर्तमान में इसे हॉलीवुड में एक पूर्ण फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित किया है और इस रिलीज के बाद निखिल आडवाणी ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी एम में इंटरटेनमेंट बनाने के लिए मोनसा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साझेदारी की है एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली पिक्चर फिल्म थ्री डी थी जो डी ए आर मोशन पिक्चर के सहयोग से आडवाणी द्वारा निर्देशित फिल्म थी जो 19 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी जिसे कुछ पुरस्कारों के साथ सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी निखिल आडवाणी का हालिया निर्देशन एम ए इंटरटेनमेंट वायनर के तहत निर्मित किया गया था जिसकी स्थापना मोनिशा आडवाणी मधु भोजवानी और उन्होंने खुद की प्रोडक्शन हाउस मुंबई की अग्रणी प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है जो पिक्चर फिल्मों और बेब दोनों के लिए नवीन और आकर्षक सामग्री तैयार करती है और वर्तमान में डिजनी ऑक्स स्टार इंडिया नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम और सोनी के साथ काम कर रही है तो एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन हाउस ने लिफ्ट 2016 जैसी फिल्में रिलीज की हैं जिसमें अक्षय कुमार निमरत कौर ने अभिनय किया है जो पहली खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में सत्रह हजार भारतीयों की निकासी की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी एयरलिफ्ट का निर्माण टी सीरीज केप ऑफ गुड एम एंटरटेनमेंट में अम्बोडिसिया इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली उनकी पहली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने यू मोशन पिक्चर्स के वैनल ते सिद्धार्थ राय कपूर के साथ मिलकर एक रोमांटिक फिल्म कट्टी बट्टी 2015 का निर्माण और निर्देशन किया है इसमें इमरान खान और कंगना रानौत मुख्य भूमिका में थी अपनी अगली फिल्म के लिए निखिल आडवाणी ने हीरो 2015 का निर्देशन किया जो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसे उमेश बिष्ट और उन्होंने खुद लिखा था जो इसी नाम की सुभाष घाई की उन्नीस की ब्लैक फिल्म थी और इस फिल्म का रीमेक फिल्म में नवोदित कलाकार सूरज पांचोली और आथिया शेट्टी ने अभिनय किया था निखिल आडवाणी की नवीनतम रिलीज बाटला हाउस 2019 थी जिसे रितेश शाह द्वारा लिखित और एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 19 सितंबर 2008 को हुए बाटला हाउस मुठभेड़ मामले से प्रेरित इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने संजीव कुमार यादव नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है ये फिल्म मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की कहानी बताती है कहानी मुठभेड़ और इसके बाद भगोड़ों को पकड़ने और राष्ट्रव्यापी घृणा और अभिघातजन्य तनाव विकास और विकार के निपटने के दौरान यह साबित करने के लिए संजीव के संघर्षाती है की नकली नहीं थी यह फिल्म भारत में 15 अगस्त सन 2019 को स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से सफल रही थी अपने निर्देशन कार्य के अलावा उन्होंने एम्बे वनर के तहत एयरलिफ्ट 2016 लखनऊ सेंटर 2017 हज़ार सत्रह सत्य में उजैते दो बाजार दो मर जामा दो हजार उन्नीस इंदू की जवानी दो हज़ार बीस बेलबाटम दो हजार इक्कीस सत्य में उजैते टू दो हज़ार इक्कीस सन 2020 में निखिल आडवाणी ने नेटफ्लिक्स के लिए अपनी पहली वेब श्रृंखला हसमुख का निर्माण और लेखन किया है इसका निर्देशन निखिल गोसलवे ने किया था और इसे सुपर्णा वर्मा वीरदास निखिल आडवाणी अमोघ रणदीवे और नीरज पांडे ने लिखा था वीरदास द्वारा हसमुख और रणवीर सौरी द्वारा जिमी के रूप में प्रस्तुत इस शो में अमृता राव बख्ची मंत्रा और रवि किशन मनोज पहावा जोआना सेवा रजा मुराद सहित अन्य शामिल थी। अदावनी के एम एंटरटेनमेंट में अल्पाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर यह शो बनाया गया था सन 2020 में 26 नवंबर को आडवाणी ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए 26 ग्यारह पर आधारित अपनी दूसरी बीप श्रृंखला मुंबई डायरीज छब्बीस ग्यारह की घोषणा की है इसका निर्देशन निखिल आडवाणी और निखिल गोसालवे ने दोनों ने किया था और इसमें मोहित रैना टीना देसाई सेन शर्मा शत्रेया धनवंतरी प्रकाश बेलावड़ी मिसाल रहेजा सत्यजीत दुबे नताशा भरद्वाज और मंडमयी देश पांडे जैसे बड़े कलाकार थे इसे समीक्षकों की प्रशंसा के लिए 9 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था और ये प्राइम वीडियो पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी तो एम ने की एकता में एक उत्साह के लिए लघु फिल्म गुड्डू इंजीनियर 2016 का निर्माण किया भारत पाक एकता पर लक्षित यह रूमी की कविता पर आधारित थी आपका काम प्यार की तलाश तलाश करना करना नहीं बल्कि केवल है और अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजें जो आपने इसके विरुद्ध बनाई है आडवाणी द्वारा निर्देशित गुड्डू इंजीनियर ने साठ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते हैं अमेजन प्राइम वीडियो ने अनपायर्ड अपार्टमेंट 2020 का अनावरण किया है जो महामारी के दौरान फिल्माई गई पांच हिंदी लघु फिल्मों का एक संकलन है और इसमें नई शुरुआत के बारे में कहानियां हैं ऐसी ही लघु फिल्म है आडवाणी द्वारा निर्देशित अपार्टमेंट जिसमें रचा चड्ढा सुमित व्यास और ईसा सिंह हैं और कथानक चड्ढा के चरित्र के पतन और अंतिम उत्थान पर केंद्रित है हिस्से अपने पति के अविवेक के साथ समझौता करती है एम के लिए एक घंटे की फिल्म शादीवादी एंड आल दैट नामक टीवी फिल्म जिसका निर्माण आडवाणी ने किया है यह ट्वीट के साथ एक प्रेम त्रिकोण है यह शो काशवी नायर के निर्देशन में पहला शो है जिन्होंने आडवाणी के साथ साथ निर्देशक के रूप में काम किया था निखिल आडवाणी के स्टार प्लस के लिए एक सीमित टीवी श्रृंखला पी ओडब्लू वंदी युद्ध का निर्देशन किया है यह शो इजरायली टीवी श्रृंखला हतम का आधिकारिक रूपांतरण है सीरीज का प्रीमियम सात नवंबर दो को हुआ था कई बॉलीवुड हस्तियों ने ट्रेलर की सराहना की शो का प्रीमियम मामी फिल्म्स महोत्सव में किया गया था और इसके बाद गिदोन रैप के साथ बातचीत हुई थी अपने खाली समय में निखिल आडवाणी को बिट्टू सहगल के साथ काम करना अच्छा लगता है और वे सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे विविधता प्राकृतिक संरक्षण और बाघों को बचाने की वकालत करते हैं वो सीवेन डूंगपुर और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर क्लासिक फिल्मों की बहाली में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं वो बारो फिल्म नाइट के लिए आर्ट हाउस सिनेमा का संचालन करते हैं श्री लीला चटर्जी और महेश मथाई के साथ भी सहयोग करते हैं एक शौकीन फुटबॉलर प्रशंसक और वो मुंबई में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर क्लब की वकालत और प्रचार करने के लिए सारा व्हाइट पार्टनरशिप मार्केटिंग की प्रमुख पी सिटी फुटबॉलर मार्केटिंग के साथ काम करते हैं चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में अपने रोल को प्ले किया है दीपिका पातकोण जी ने उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया है दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं तो दीपिका पातकोड़ जी भारतीय अभिनेत्री हैं और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है उनकी पहली स्क्रीन उपस्थिति पांच में हिमे रेशमिया के संगीत है तेरह में किया था दीपिका पातकोण ने कन्ना कन्नड़ भाषा की फिल्म ऐश्वर्या दो में शीर्षक भूमिका निभाकर अपनी फिल्म की शुरुआत की और उनकी पहली हिंदी फिल्म अगले वर्ष फराह खान की मेलो ड्रामा ओम शांति ओम के साथ रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सन दो में उनकी एकमात्र फिल्म भूमिका बचना ए हसीनों में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक थी दो में दीपिका पादकौर की पहली फिल्म कुंग फू कॉमेडी चांदी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर फलाप साबित हुई थी लेकिन उनकी अगली रिलीज इम्तियाज अली के सैफली खान के साथ रोमांस लव आजकल सफल रही है 2010 में रिलीज हुई दीपिका पादकोण की पांच फिल्मों में से केवल कमेडी हाउसफुल की आर्थिक रूप से लाभदायक रही थी खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनकी दो की दोनों फिल्म रिलीज हुई थी आरक्षण और देसी बॉयज के साथ जारी रही थी तो होमी अदजानिया जानिया की कॉकटेल 2012 में एक आवेकशील पार्टी गर्ल की प्रशंसित भूमिका दीपिका पातकोंड के लिए एक सफलता साबित हुई थी वर्ष 2013 में दीपिका पातकोण के लिए महत्वपूर्ण था जब उनकी सभी चार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी इनमें से दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में थीं रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस संजय लीला भंसाली की दुखद रोमांस गोलियों की रसीला गोलियों की रास लीला रामलीला दो जूलियट पर आधारित किरदार निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है सन 2014 चौदह में दीपिका पादुकोण तमिल एनिमेशन फिल्म कोचा दैया में दिखाई दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डकैती फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक बार डांसर की भूमिका निभाई है अगले वर्ष उन्होंने सुजीत र... सरकार की कॉमेडी ड्रामा फूकू में एक जिद्दी बेटी की भूमिका निभाई है जिसने दीपिका पातकोण को फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है और संजय लीला भंशाली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐतिहासिक फिल्म योद्धा में मस्तानी की भूमिका निभाई और रोमांस बाजीराव मस्तानी हॉलीवुड में दीपिका पादकुंड की पहली परियोजना एक्शन फिल्म रिटर्न ऑफ जेंडर के 2017 ने दुनिया भर में 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है सन 2018 में वो एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म पद्मावत में संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म से जुड़ी जिसमें उन्होंने रानी पदमावती की शीर्षक भूमिका निभाई अभिनय से एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने छापक दो और तिरासी दो में उन्होंने छपाक 2020 और तिरासी 2021 में अभिनय किया है दोनों का निर्माण और उनकी अपनी कंपनी का प्रोडक्शन के तहत किया गया था लेकिन वे वित्तीय रूप से लाभदायक नहीं थे सन दो तेईस में दीपिका पातकोण ने एक्शन फिल्मों में पठान और जवान में शाहरुख खान के साथ फिर से काम किया है दोनों ने 10 मिलियन यूएस 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रिलीज बन गई थी दिल्ली के चांदी चौक में रहने वाले अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिन्हें दादा के नाम से जाना है सालों से सिद्धू बह और सब्जियां काटने में भी रहे हैं जब उनकी चीनी मित्र एक दार्शनिक चापिस्ट उसे यह विश्वास दिलाती है कि वो मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू सिंह का पुनर्जन्म है तो सिद्धू ने झांगे जिले की यात्रा करने की जिम्मेदारी ली जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सूजी का नाम किसी अर्ध पागल भिखारी से दोस्तों से दोस्ती कर लो और वस्तुता अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मृत्यु का सामना करना होगा बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चांदनी चौक टू चाइना 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और इसमें अक्षय कुमार और दीपिका पातकोण है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और हांगकॉन्ग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू भी शामिल हैं सितारे चीन में शूट होने के अलावा फिल्म के कई हिस्सों को बैकाक थाईलैंड में शूट किया गया है हालांकि चीन के कुछ दृश्य संघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर शूट किए गए थे ये फिल्म दिल्ली के चांदी चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाता है क्योंकि एक उत्पीड़ित गाँव की निवासी उसके इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर एहसान लाय और कैलाश कैलाश खेर और नरेश परेश और पप्पी लहड़ी बप्पा लहड़ी और बोहेमिया जी ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है डैनियल वी ने उत्पादन कंपनी है रमेश सिप्पी इंटरटेनमेंट और पीपल टी इंटरटेनमेंट के तहत और इस फिल्म को वितरित किया है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 1.2 मिलियन तो यूएस 15 मिलियन का अमेरिका में वितरित और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सहनिर्मित यह एक सोनी के सामरिया 2007 और वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के एनिमेटेड पिक्चर्स रोड साइड रोमियो 2008 के बाद एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ साझेदारी में बनाई गई थी विदित की गई थी और तीसरी बॉलीवुड फिल्म है ये वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है जिसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाफ रही थी इंडिया गेम्स ने फिल्म पर आधारित एक मोबाइल मोबाइल वीडियो गेम जारी किया था तो फैंस बिना देरी के इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो फिल्म की शुरुआत होती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक योद्धा लियू सेंग के साथ जो युद्ध की कहानी से होती है यह इतने वर्षों के बाद झांगे गांव में दुष्ट होजो के अत्याचार को भी दर्शाता है सिंधेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदी चौक इलाके में सड़क के किनारे खाने की दुकान पर सब्जी काटने वाला एक मामूली व्यक्ति है जो अपने पालक पिता दादा के उपदेशों के बावजूद ज्योतिषों टेरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो अजनवी उसे युद्ध नायक लियू सेंग पुनर के पुनर्जन्म के रूप में दावा करते हैं और उसे चीन ले जाते हैं तो चालबाज चापिस्ट द्वारा प्रोत्साहित भी किए गए हैं सिद्धू का मानना है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा वो तस्कर हो जो की हत्या के लिए अपनी भर्ती से अनजान है तो सिद्धू चापिस्ट के साथ चीन की यात्रा करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है जिन्हें सुश्री टेली सापर्स मीडिया या सुश्री टी एस एम के नाम से जाना जाता है जो चीन में दिखाई देती हैं उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल पेटल मेओ मेओ के नाम से भी जाना जाता है होजो के लिए काम करती है और उसे नहीं पता है कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश की थी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सिद्धू शुरू में होजो से बच निकलता है हालांकि सिद्धू को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई का एहसास होता है दुखी होकर सिद्धू ने होजो से माफ़ी मांगी तभी दादा आते हैं और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देते हैं होजो दादा को मार देता है और सिद्धू एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में सामने आ जाता है इसके अलावा होजो द्वारा उसे पीटा जाता है और उस पर रिसाब किया जाता है घायल और अपमानित सिद्धू ने बदला लेने की कसम खाई तीन महीने बाद सिद्धू का सामना एक भूलने वाले आवारा व्यक्ति से होता है जिसे वो बाद में इंस्पेक्टर चियांग के रूप में सखी के रूप में पहचानता है चियांग ने बाद में अपनी यादाश्त वापस पा ली है और सिद्धू को कुंग फू का प्रशिक्षण दिया है तो जब होजो फिर से सिद्धू से मिलता है तो सूजी चियांग को घायल कर देती है लेकिन सखी को देखकर कर होजो को धोखा देता है सिद्धू होजो से एक एकल युद्ध में लड़ता है और अंत में उस पर काबू पाने के लिए संशोधित सब्जी काटने की तकनीकी का उपयोग करता है एक बड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार सिद्धू ने होजो को मार डाला इसके बाद सिद्धि सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है लेकिन उसे मीच के लिए लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है तो फिर आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो सिद्धेश सिद्धू शर्मा लियो सेंग के रूप में अक्षय कुमार दोहरी भूमिका में हैं। सखी मिस्टी एस एम और सूजी म्याऊ म्याऊ के रूप में दीपिका पातकोट दोहरी भूमिका में है के रूप में रणवीर सौरी है दादा श्री शर्मा के रूप में मिथुन चक्रवर्ती है रोजर युवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कोहंग के रूप में है होजो के रूप में गार्डन लियू हैं चियांग की पत्नी के रूप में किरण जुनेजा हैं फ्रेंकी के रूप में केविन बू हैं और जाय के रूप में कानन स्टीवंस हैं फिल्म जिसे पहले मेरा नाम चीन चीन चू और मेड इन चाइना के नाम से भी जाना जाता है श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई है शूटिंग जनवरी 2008 में हुई और इसमें चीनू में शामिल किया गया था तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो चांदी चौक टू चाइना ने अपनी शुरुआती सप्ताह में 330 मिलियन यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और इसने भारत में कुल मिलाकर 407 मिलियन यूएस 5.1 मिलियन की कमाई की है चार सप्ताह तक चलने के दौरान फिल्म की उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई नौ लाख इक्कीस हजार सात सौ अड़तीस थी और दुनिया भर में कुल कमाई तेरह हजार तेरह करोड़ तैतालीस लाख नौ हजार चार सौ अस्सी थी तो आइए जानते हैं इस फिल्म के समीक्षा के बारे में स्वीकृता के बारे में और आलोचना तो आइए जानते हैं इस फिल्म की स्वीकृति रेटिंग के बारे में तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर राट टमेटोज पर उनसठ आलोचकों में से बयालीस परसेंट समीक्षाएँ सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.2 रही है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा गया है कि इस बॉलीवुड क्रास और कॉमेडी में हाई अटैक्शन डांसिंग और एक्शन द्वारा एक पतली कहानी छिपी हुई है तो मेटा क्रिटिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है ने बाईस आलोचकों के आधार पर फिल्म को सौ में से चवालीस का स्कोर दिया है जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है यूएसए टुडे की क्लासियोडिया पुइंग ने कहा है कि यह एक भारतीय चीनी सिनेमाई मिश्र संवाद पसंद करने योग्य है और मनोरंजक भी है लेकिन लंबे समय तक चलने वाला और कभी कभी आकर्षक है और अक्षय कुमार का शारीरिक रहस्य और हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है वैरायटी के जॉन एंडरसर ने लिखा है कि अगर चांदनी चौक टू चाइना एक व्यक्ति होता तो उसे वेलियम की आवश्यकता होती और पाया कि सब कुछ तेज और उग्र प्रफुल्लित करने वाला उन्मादपूर्ण और उन्नतम है कुछ अनुक्रम काफ़ी सुंदर हैं और दीपिका पातकोण के डांस नंबरों के मामले में आश्चर्यजनक है लेकिन यह एक लड़ाई के दृश्य हैं जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड के फ्रैक लेवेस ने लिखा है कि पैन एशियाई म्यूजियम डिस की तुलना में बॉलीवुड बोन बोन कम भारतीय संगीत और चीनी चापसाकी का यह संयोजन भी है तो स्वादिष्ट और मजा भी है द फील्ड लिफिया और इनक्वायरर के स्टीवन राय ने कहा है कि चांदी चौक टू चाइना लगभग तीस मिनट तक मनोरंजन के रूप में ना समझ रहती है और फिर अगले दो घंटे से अधिक समय तक वो पीड़ादायक रहती है द ओनियन के स्काट ट्रोबियास ने फिल्म को बेकूफ़ सिक्रोजो फिनिक संस्कृति के रूप में असंवेदनशील भयानक गति वाली और न्यूनतम आम भाजक का बढ़ावा देने में बेशर्म के रूप में वर्णित है जबकि इंटरटेनमेंट वीकली के ओवन ग्लीवरमैन ने कहा है कि यह एक सरपट दौड़ने वाला हाथी है चापसा की रिवेज ऑफ द अर्ध संगीत में गीतात्मक कोरियोग्राफिक सुंदरता का अभाव है जिसने ऐसी स्टेट साइड बॉलीवुड रिलीज को भव्य लगान के रूप में चिन्हित किया है तो शिकागो ट्यूबेन के माइकल फिलिपिंस ने फिल्म को बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार के लिए एक विशाल और थका देने वाला शोकेस कहा है तो भारतीय समीक्षा तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की रेटिंग देते हुए एक बड़ी 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 गिरावट कहा है आई वी एन के राजीव मसन ने अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे थका देने वाली घड़ी बताया है तो फिल्म को एक पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है जिसमें मार्च 2009 में आयोजित तीसरे एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दीपिका पातकोंड को नामांकित किया गया था नेपाल में इस दावे के कारण फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था लुम्बनी जो बुद्ध का जन्म स्थान है नेपाल में स्थित है विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल में कई शो रद्द कर दिए गए थे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म दिखाने वाले सिनेमाई घरों को जलाने की धमकी दी थी और भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसी नस्ली टिप्पणियाँ की गई थी नेपाली वितरक द्वारा नेपाल में दिखाई गई फिल्म की प्रतियों में बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन के अंश को हटाने के बावजूद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था जिसे 22 जनवरी को नेपाली सिनेमाई सिनेमाए गई थी नेपाल विवाद के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने कुछ अपमानजनक और असभ्य टिप्पणियों के साथ फिल्म की आलोचना की है उन्होंने ये भी कहा है कि यह फिल्म निखिल आडवाणी का एक नवसिखिया प्रयास है और इसे सबसे खराब फिल्म करार दिया है ज़्यादातर कुमार के समर्थकों खासकर निखिल आडवाणी ने कहा है कि सुमन के बेटे अध्ययन को उनकी फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज की रिलीज के लिए सुर्खियों में लाने के लिए एक प्रचार रंट था सुमन ने दावे का जवाब दिया है कि यह कोई प्रचार कार्य नहीं था और बाद में उन्होंने इसके लिए अक्षय कुमार से माफ़ी मांगी है चांदनी चौक टू चाइना का संगीत 4 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था इस एल्बम में शंकर एहसान लाय कैलाश परेश नरेश बप्पी लहड़ी बप्पी लहड़ी और बोहेमिया जैसे विविध संगीतकार शामिल थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक सिद्धू इसे गाया है कैलाश खेर कैलाश खेर जी ने और नंबर दो चांदी चौक टू चाइना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान राय नीरज धर अनुष्का मनचंदा शंकर महादेवन जी ने गाया है नंबर तीन इंडिया से आया तेरा दोस्त की इसे गाया है बप्पी लहरी रजत अरोड़ा और रवि के त्रिपाठी जी ने नंबर चार नैना, इसे रजत अरोड़ा, अरोड़ा शंकर एहसान लाए और शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल जी ने गाया है नंबर पांच चक ले कैलाश खेर नरेश परेश जी ने नंबर छ चांदनी चौक टू चाइना इसे गाया है बोहेमिया और अक्षय कुमार आस्था गिल जी ने नंबर सात चांदनी चौक टू चाइना रीमेक्स इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाए और डीजे ए मिथक जी ने इसमें अपनी आवाज को बुलंद किया है नंबर आठ चक ले दे इसे गाया है कुमार कैलाश खेर ने डीजे ए मिथक ने नरेश परेश जी ने तो फ्रेंड्स बॉलीवुड हंगामा कॉम के जोगिंदर टुटेजा ने इसे पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग देते दे हुए कहा है कि चांदी चौक टू चाइना स्पष्ट रूप से अगली म्यूजिकल हिट फिल्म होगी चांदी चौक टू चाइना फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी जी ने तो निखिल आडवाणी जी एक भारतीय निर्देशक निर्माता और पठक कथा लेखक हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने अपनी बहन मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ मनोरंजन कंपनी एमए ए इंटरटेनमेंट की सा स्थापना की है तो फ्रेंड्स इनका जन्म निखिल सुरेश आडवाणी जी का जन्म 28 अप्रैल 1971 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनका व्यवसाय है निर्देशक निर्माता पठक कथा लेखक है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है सुपर्णा गुप्ता और इनके बच्चे हैं एक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का जन्म और पालन पोषण बॉम्बे महाराष्ट्र में भारत में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था उनके पिता एक सेवानिवृत्त पेशेवर हैं और जिन्होंने रसायन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम किया है और उनकी मां एक विज्ञापन पेशेवर हैं उनके पिता सिंधी हैं जबकि मां महाराष्ट्रीयन हैं उन्होंने ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल ब्रिज कैंडी में अध्ययन किया है और बाद में सेंट जूबियर्स कॉलेज मुंबई से रसायन विज्ञान में स्नोत्तर किया है उन्होंने अपनी कॉलेज मित्र सुपर्णा गुप्ता से शादी की है जिनसे उनकी एक बेटी के है आडवाणी एकता कपूर के दूसरे चचेरे भाई हैं उनकी पत्नी सुपर्णा गुप्ता एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं अग्नि सामाजिक उद्यमिता के लिए अशोका फेलोशिप 2009 की विजेता हैं उन्होंने हार्वर्ड कैंडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट 2012 में एडवर्ड एस मेसन फेलो के रूप में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और एक गैर लाभकारी संगठन आंगन की हिस्सा स्थापना की जो बाल तस्करी बाल विवाह पर काम करता है तो आइए जानते हैं निखिल आडवाणी जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का फिल्मी सफर और करियर 25 साल से ज्यादा का है उन्होंने आर्ट हाउस फिल्म निर्देशकों सईद मिर्जा कुंदन शाह और सुधीर मिश्रा की सहायता करना शुरू किया इसके बाद उन्होंने करण जौहर के पिता दिवंगत एस जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स के तहत काम थे आडवाणी ने अपनी शुरुआत नया नुक्कड़ उन्नीस के निर्देशन में सईद और अजीज मिर्जा की सहायता करके इस रात की सुबह नहीं सन उन्नीस के लिए सह पटक कथा लेखक के रूप में उनकी पहली पारी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया है तब तक वो एक सहायक निर्देशक थे और उन्होंने करण जौहर को उनकी पहली दो निर्देशित परियोजनाओं में कुछ कुछ होता है सन उन्नीस और कभी खुशी कभी गम 2001 में सहायता की थी नीलम सो सीक्वेंस के दौरान फराह खान के साथ आडवाणी ने कुछ कुछ होता है में अभिनय अतिथि की भूमिका निभाई थी और इसी तरह उन्होंने मोहब्बतें दो में आदित्य चोपड़ा की सहायता की है आडवाणी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म कल हो न हो 2003 से अपने निर्देशन की शुरुआत की है यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें जया बच्चन शाहरुख खान सैफली खान प्रीति जिंटा सुषमा सेठ रीमा लागू लिलेट दुबे ने अभिनय किया है और डेलनाज पाल सहायक भूमिकाओं में है फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और यह ये ये एक व्यवसायिक रूप से सफल रही है और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी यह कई विषयों के जाति विवाद और विवाह ला इलाज बीमारी और समलैंगिकता और समलैंगिक संबंधों के माध्यम से समलैंगिकता इसने 2004 में दो राष्ट्रीय पुरस्कार और आठ फिल्म फेयर पुरस्कार सहित तेरह अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार छह प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार तीन स्क्रीन पुरस्कार और दो जी सिने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं तो सलाम एस्क दो के लिए निखिल आडवाणी ने निर्देशन और पटक कथा लिखी है निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी इसमें सलमान खान प्रियंका चोपड़ा अनिल कपूर जूही चावला अक्षय खन्ना आयशा टाकिया जैसे कलाकार शामिल थे जान अब्राहम विद्या बालन गोविंदा सैनन एसरा सोहेल खान और ईसा कोपिककर मुख्य भूमिकाओं में थी फिल्म अपने अंदर मौजूद लोगों के रिश्तों की बदौलत छह प्रेम कहानियों को एक साथ बुनती है यह फिल्म कल हो ना हो 2003 के बाद बुनती है और यह फिल्म आडवाणी की दूसरी निर्देशित फिल्म थी और हॉलीवुड फिल्म लव एक्चुअली 2003 की अनौपचारिक रीमेक थी 2009 में निखिल आडवाणी ने चांदी चौक टू चाइना का निर्देशन किया है जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हांगकांग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू के साथ अक्षय कुमार और दीपिका पातकोण मुख्य में थी फिल्म दिल्ली के चे चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द घूमती है जो खुद वो चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाते हैं, क्योंकि एक पीड़ित गांव के निवासी उसे एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं फिल्म को अमेरिका में वितरित किया गया था और वार्नर ब्रदर्स द्वारा निर्मित किया गया था यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है इसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई और यह है भारतीय बॉक्स ऑफिस पर साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने मिलाप जेवरी द्वारा निर्देशित बॉलीवुड साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म जाने कहां से आई है 2010 का निर्माण किया है इसमें रितेश देशमुख जैकलीन फर्नाडिज सोनल सहगल और मुमताज मुख्य भूमिका में हैं। 2009 में निखिल आडवाणी ने भूमिकाओं में ऋषि कपूर डिम्बल कपाड़िया अक्षय कुमार अनुष्का शर्मा अभिनीत पटियाला हाउस 2011 की कहानी और पटक कथा का निर्देशन और लेखन भी किया है निखिल आडवाणी की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता है जिनकी बच्चों की फिल्म दिल्ली सफारी दो भारत की पहली थ्री स्टीरियोस्कोपी इस एनिमेशन पिक्चर थी इसने वन्य जीव संरक्षण की वकालत की और वर्तमान में इसे हॉलीवुड में एक पूर्ण फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित किया है और इस रिलीज के बाद निखिल आडवाणी ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी एम एंटरटेनमेंट बनाने के लिए मोनसा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साझेदारी की है एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली पिक्चर फिल्म थ्री डी थी जो डी ए आर मोशन पिक्चर के सहयोग से आडवाणी द्वारा निर्देशित फिल्म थी जो 19 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी जिसे कुछ पुरस्कारों के साथ सकारात्मक नििल आडवाणी का हालिया निर्देशन एम एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट वायनर के तहत निर्मित किया गया था जिसकी स्थापना मोनिशा आडवाणी मधु भोजवानी और उन्होंने खुद की प्रोडक्शन हाउस मुंबई की आगड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है जो पिक्चर फिल्मों और बेब दोनों के लिए नवीन और आकर्षक सामग्री तैयार करती है और वर्तमान में डिजनी हॉक्स स्टार इंडिया नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम और सोनी के साथ काम कर रही है तो एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन हाउस ने एयरलिफ्ट दो जैसी फिल्में रिलीज की हैं जिसमें अक्षय कुमार निमृत कौर ने अभिनय किया है जो पहली खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में सत्रह हजार भारतीयों की निकासी की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी एयरलिफ्ट का निर्माण टी सीरीज केप ऑफ गुड एम एंटरटेनमेंट में, में अम्बोडिसिया इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली उनकी पहली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने यू टी बी मोशन पिक्चर्स के वायरल सिद्धार्थ राय कपूर के साथ मिलकर के एक रोमांटिक फिल्म कट्टी बट्टी 2015 का निर्माण और निर्देशन किया है इसमें इमरान खान और कंगना रानौत मुख्य भूमिका में थी अपनी अगली फिल्म के लिए निखिल आडवाणी ने हीरो 2015 का निर्देशन किया जो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसे उमेश बिष्ट और उन्होंने खुद लिखा था जो इसी नाम की सुभाष गह की उन्नीस की ब्लैक बोस्टर फिल्म थी और इस फिल्म का रीमेक फिल्म में नवोदित कलाकार सूरज पांचोली और आथिया सेट्टी ने अभिनय किया था निखिल आडवाणी की नवीनतम रिलीज बाटला हाउस 2019 थी जिसे रितेश शाह द्वारा लिखित और एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 19 सितंबर 2008 को हुए बाटला हाउस मुठभेड़ मामले से प्रेरित इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने संजीव कुमार यादव नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है ये फिल्म मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की कहानी बताती है कहानी मुठभेड़ और इसके बाद भगोड़ों को पकड़ने और राष्ट्रव्यापी घृणा और अभिघातजन तनाव विकास और विकार के निपटने के दौरान ये साबित करने के लिए संजीव के संघर्षाती है कि नकली नहीं थी यह फिल्म भारत में 15 अगस्त सन 2019 को स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से सफल रही थी अपने निर्देशन कार्य के अलावा उन्होंने एम्बे वैनर के तहत एयरलिफ्ट 2016 लखनऊ सेंटर 2017 सत्य में उजैते दो हज़ार बाजार 2018 228, 228, मर जामा दो हज़ार उन्नीस हिंदू की जवानी दो हज़ार बीस बेलबाटम दो हज़ार इक्कीस सत्य में उजैते टू दो हज़ार इक्कीस सन 2020 में निखिल आडवाणी ने नेटफ्लिक्स के लिए अपनी पहली वेब श्रृंखला हसमुख का निर्माण और सालेखन लेखन किया है इसका निर्देशन निखिल गोसलवे ने किया था और इसे सुपर्णा वर्मा वीरदास निखिल आडवाणी अमोघ रणदिवे और नीरज पांडे ने लिखा था वीरदास द्वारा हसमुख और रणवीर सौरी द्वारा जिमी के रूप में प्रस्तुत इस शो में अमृता राव बख्ची मंत्रा और रवि किशन मनोज पहावा जोआना सेवा रजा मुराद सहित अन्य शामिल थी। अदावनी के एम एंटरटेनमेंट में अल्पाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर यह शो बनाया गया था सन 2020 में 26 नवंबर को आडवाणी ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए 26 ग्यारह पर आधारित अपनी दूसरी बीब श्रृंखला मुंबई डायरीज 26 ग्यारह की घोषणा की है इसका निर्देशन निखिल आडवाणी और निखिल गोसाल ने दोनों ने किया था और इसमें मोहित रैना टीना देसाई सेन शर्मा श्रेया धनवंतरी प्रकाश बेलावड़ी मिसाल रहेजा सत्यजीत दुबे नताशा भरद्वाज और मंडमयी देश पांडे जैसे बड़े कलाकार थे इसे समीक्षकों की प्रशंसा के लिए 9 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था और ये प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी तो एम ए ने दो की एकता में एक उत्साह के लिए लघु फिल्म गुड्डू इंजीनियर 2016 का निर्माण किया भारत पाक एकता पर लक्षित यह रूमी की कविता पर आधारित थी आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं बल्कि केवल तलाश करना है और अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजें जो आपने इसके विरुद्ध बनाई है आडवाणी द्वारा निर्देशित गुड्डू इंजीनियर ने साठ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते हैं अमेजन प्राइम वीडियो ने अनपायर्ड अपार्टमेंट 2020 का अनावरण किया है जो महामारी के दौरान फिल्माई गई पांच हिंदी लघु फिल्मों का एक संकलन है और इसमें नई शुरुआत के बारे में कहानियाँ हैं ऐसी ही लघु फिल्म है आडवाणी द्वारा निर्देशित अपार्टमेंट जिसमें रचा चड्ढा सुमित व्यास और ईशा सिंह हैं और कथानक चड्ढा के चरित्र के पतन और अंतिम उत्थान पर केंद्रित है क्योंकि वो एक दोस्ताना पड़ोसी की मदद से अपने पति के अविवेक के साथ समझौता करती है एम के लिए एक घंटे की फिल्म शादीवादी एंड आल दैट नामक टीवी फिल्म जिसका निर्माण आडवाणी ने किया है यह ट्वीट के साथ एक प्रेम त्रिकोण है यह शो काशवी नायर के निर्देशन में पहला शो है जिन्होंने आडवाणी के साथ साथ निर्देशक के रूप में काम किया था निखिल आडवाणी के स्टार प्लस के लिए एक सीमित टीवी श्रृंखला पी ओ डब्ल्यू वंदी युद्ध का निर्देशन किया है यह शो इजरायली टीवी श्रृंखला हतम का आधिकारिक रूपांतरण है सीरीज का प्रीमियम सात नवंबर दो को हुआ था कई बॉलीवुड हस्तियों ने ट्रेलर की सराहना की शो का प्रीमियम मामी फिल्म महोत्सव में किया गया था और इसके बाद गिदोन रैप के साथ बातचीत हुई थी अपने खाली समय में निखिल आडवाणी को बिट्टू सहगल के साथ काम करना अच्छा लगता है और वे सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे विविधता प्राकृतिक संरक्षण और बाघों को बचाने की वकालत करते हैं वो सीवेन डूंगपुर और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर क्लासिक फिल्मों की बहाली में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं वो बारो फिल्म नाइट के लिए आर्ट हाउस सिनेमा का संचालन करते हैं श्री लीला चटर्जी और महेश मथाई के साथ भी सहयोग करते हैं एक शौकीन फुटबॉलर प्रशंसक और वो मुंबई में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर क्लब की वकालत और प्रचार करने के लिए सारा व्हाइट पार्टनरशिप मार्केटिंग की प्रमुख पी सिटी फुटबॉलर मार्केटिंग के साथ काम करते हैं चांदी चौक टू चाइना फिल्म में अपने रोल को प्ले किया है दीपिका पातकोड़ जी ने उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं तो दीपिका पातकोड़ जी भारतीय अभिनेत्री हैं और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं उनकी पहली स्क्रीन उपस्थित पाँच में हिमित रेशमिया के संगीत है तेरह में किया था दीपिका पातकोण ने कन्नड़ कन्नड़ भाषा की फिल्म ऐश्वर्या दो हज़ार छः में शीर्षक भूमिका निभाकर अपनी फिल्म की शुरुआत की और उनकी पहली हिंदी फिल्म अगले वर्ष फराह खान की मेलो ड्रामा ओम शांति ओम उम्स के साथ रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सन दो में उनकी एकमात्र फिल्म भूमिका बचना ए हसीनों में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक थी दो में दीपिका पादकौ की पहली फिल्म कुंग फू कॉमेडी चांदी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर फलाप साबित हुई थी लेकिन उनकी अगली रिलीज इम्तियाज अली के सैफली खान के साथ रोमांस लव आजकल सफल रही है 2010 में रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की पांच फिल्मों में से केवल कॉमेडी हाउसफुल की आर्थिक रूप से लाभदायक रही थी खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनकी दो की दोनों फिल्म रिलीज हुई थी आरक्षण और देसी बॉयज के साथ जारी रही थी तो होमी अद जानिया की कॉकटेल 2012 में एक आवेकशील पार्टी गर्ल की प्रशंसित भूमिका दीपिका पातकोंड के लिए एक सफलता साबित हुई थी वर्ष 2013 में दीपिका पातकोण के लिए महत्वपूर्ण था जब उनकी सभी चार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी इनमें से दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में थीं रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस संजय लीला भंसाली की दुखद रोमांस गोलियों की रसीला गोलियों की रास रामलीला दो हजार तेरह जूलियट पर आधारित किरदार निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है सन 2014 चौदह में दीपिका पादुकोण तमिल एनिमेशन फिल्म कोचा दैया में दिखाई दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डकैती फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक बार डांसर की भूमिका निभाई है अगले वर्ष उन्होंने सुजीत र... सरकार की कॉमेडी ड्रामा फूकू में एक जिद्दी बेटी की भूमिका निभाई है जिसने दीपिका पातकोर को फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है और संजय लीलाभंशाली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐतिहासिक फिल्म योद्धा में मस्तानी की भूमिका निभाई और रोमांस बाजीराव मस्तानी हॉलीवुड में दीपिका पादकुंड की पहली परियोजना एक्शन फिल्म रिटर्न ऑफ जेंडर केस 2017 ने दुनिया भर में 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है सन 2018 में वो एक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म पद्मावत में संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म से जुड़ी जिसमें उन्होंने रानी पदमावती की शीर्षक भूमिका निभाई अभिनय से एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने छापक दो और तिरासी 2011 में उन्होंने छपाक 2020 और तिरासी 2021 में अभिनय किया है दोनों का निर्माण और उनकी अपनी कंपनी का प्रोडक्शन के तहत किया गया था लेकिन वे वित्तीय रूप से लाभदायक नहीं थी सन दो तेईस में दीपिका पातकोण ने एक्शन फिल्मों में पठान और जवान में शाहरुख खान के साथ फिर से काम किया है दोनों ने 10 मिलियन यूएस 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रिलीज बन गई थी दिल्ली के चांदी चौक में रहने वाले अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिन्हें दादा के नाम से जाना है सालों सिद्धू बहें और सब्जियां काटने में रहे हैं, जब उनकी चीनी मित्र एक दार्शनिक चापिस्ट उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि वो मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू सिंह का पुनर्जन्म है तो सिद्धू ने झांगे जिले की यात्रा करने की जिम्मेदारी ली जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सूजी का नाम किसी अर्ध पागल भिखारी से दोस्तों से दोस्ती कर लो और वस्तुता अविनाशी हाँ और संभावित मृत्यु का सामना करना होगा बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चांदनी चौक टू चाइना 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और इसमें अक्षय कुमार और दीपिका आपातकोण है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और हॉन्गकोंग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू भी शामिल हैं सितारे चीन में शूट होने के अलावा फिल्म के कई हिस्सों को बैकॉक थाईलैंड में शूट किया गया है हालांकि चीन के कुछ दृश्य संघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर शूट किए गए थे ये फिल्म दिल्ली के चांदी चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाता है क्योंकि एक उत्त... पीड़ित उसे एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी जी ने और इस फिल्म की पटक कथा तैयार की है रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने और इस फिल्म की कहानी लिखी है रजत अरोड़ा और श्रीधर राघवन जी ने उत्पादित किया है रोहन सिप्पी और रमेश सिप्पी और मुकेश तलरेजा जी ने अभिनित किया है अक्षय कुमार दीपिका पाटको मिथुन चक्रवर्ती रणवीर सौरी रोजर युवान गार्डन लियू ने और इस फिल्म को संपादित किया है आरिफ शेख ने और इसे संपादित किया है फिल्म को छांकित किया है हिमन धमीजा और इस फिल्म को संपादित किया है आरिफ शेख जी ने इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर एहसान लाय और कैलाश कैलाश खेर और नरेश परेश और पप्पी लेड़ी बप्पा लेड़ी और बोहेमिया जी ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है डेनियल वी चार्ज ने उत्पादन कंपनी है रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट और पीपल टी एंटरटेनमेंट के तहत और इस फिल्म को वितरित किया है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने तो यह मूवी रिलीज हुई थी 16 जनवरी सन 2009 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस इस फिल्म फिल्म का का कुल कुल बजट था 800 मिलियन और अगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट था वन मिलियन यू एस मिलियन का अमेरिका में वितरित और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सह निर्मित यह एक सोनी के सामरिया दो और वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के एनिमेटेड पिक्चर्स रोड साइड रोमियो 2008 के बाद एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ साझेदारी में बनाई गई थी विदित की गई थी और तीसरी बॉलीवुड फिल्म है ये वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है जिसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाफ रही थी इंडिया गेम्स ने फिल्म पर आधारित एक मोबाइल मोबाइल वीडियो गेम जारी किया था तो फैंस बिना देरी के इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो फिल्म की शुरुआत होती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक योद्धा लियू सेंग के साथ जो युद्ध की कहानी से होती है यह इतने वर्षों के बाद झांगे गांव में दुष्ट होजो के अत्याचार को भी दर्शाता है सिंधेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदी चौक इलाके में सड़क के किनारे खाने की दुकान पर सब्जी काटने वाला एक मामूली व्यक्ति है जो अपने पालक पिता दादा के उपदेशों के बावजूद ज्योतिषों टेरो कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो अजनबी उसे युद्ध नायक लियू सेंग के पुनर्जन्म के रूप में दावा करते हैं और उसे चीन ले जाते हैं तो चालबाज चापिस्ट द्वारा प्रोत्साहित भी किए गए हैं सिद्धू का मानना है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा वो तस्कर हो जो की हत्या के लिए अपनी भर्ती से अनजान है तो सिद्धू चापिस्ट के साथ चीन की यात्रा करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है जिन्हें सुश्री टेली सापर्स मीडिया या सुश्री टी एस एम के नाम से जाना जाता है जो चीन में दिखाई देती हैं उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल पेटल मेओ मेओ के नाम से भी जाना जाता है होजो के लिए काम करती है और उसे नहीं पता है कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश की थी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सिद्धू शुरू में होजो से बच निकलता है हालांकि सिद्धू को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई का एहसास होता है दुखी होकर सिद्धू ने होजो से माफ़ी मांगी तभी दादा आते हैं और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देते हैं होजो दादा को मार देता है और सिद्धू एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में सामने आ जाता है इसके अलावा होजो द्वारा उसे पीटा जाता है और उस पर हिसाब किया जाता है घायल और अपमानित सिद्धू ने बदला लेने की कसम खाई तीन महीने बाद सिद्धू का सामना एक भूलने वाले आमारा व्यक्ति से होता है जिसे वो बाद में इंस्पेक्टर चियांग के रूप में सखी के रूप में पहचानता है चियांग ने बाद में अपनी यादाश्त वापस पा ली है और सिद्धू को कुंग फू का प्रशिक्षण दिया है तो जब होजो फिर से सिद्धू से मिलता है तो सूजी चियांग को घायल कर देती है लेकिन सखी को देखकर कर होजो को धोखा देता है सिद्धू होजो से एक एकल युद्ध में लड़ता है और अंत में उस पर काबू पाने के लिए संशोधित सब्जी काटने की तकनीकी का उपयोग करता है एक बड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार सिद्धू ने होजो को मार डाला इसके बाद सिद्धि सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है लेकिन उसे कुछ अफ्रीकी पिग मीच के लिए लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है तो फिंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो सिद्धेश सिद्धू शर्मा लियो सेंग के रूप में अक्षय कुमार दोहरी भूमिका में हैं सखी मिस्टी एस एम और सूजी म्याओं म्याओं के रूप में दीपिका पादकोंट दोहरी भूमिका में हैं चाविष्ट के रूप में रणवीर सौरी है दादा श्री शर्मा के रूप में मिथुन चक्रवर्ती है रोजर युवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कोहंग के रूप में हैं, होजो के रूप में गार्डन हैं, चियांग की पत्नी के रूप में किरण जुनेज़ा हैं फ्रेंकी के रूप में केविन बू हैं और जय के रूप में कानन स्टीवंस हैं फिल्म जिसे पहले मेरा नाम चीन चीन क्यू और मेड इन चाइना के नाम से भी जाना जाता है शत्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई है शूटिंग जनवरी 2008 में हुई और इसमें चीनू में शामिल किया गया था तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो चांदी चौक टू चाइना ने अपनी शुरुआती सप्ताह में 330 मिलियन यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और इसने भारत में कुल मिलाकर 407 मिलियन यूएस 5.1 मिलियन की कमाई की है चार सप्ताह तक चलने के दौरान फिल्म की उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई नौ लाख इक्कीस हजार सात सौ अड़तीस थी और दुनिया भर में कुल कमाई तेरह हजार तेरह करोड़ तैतालीस लाख नौ हजार चार सौ अस्सी थी तो आइए जानते हैं इस फिल्म के समीक्षा के बारे में स्वीकृता के बारे में और आलोचना तो आइए जानते हैं इस फिल्म की स्वीकृति रेटिंग के बारे में तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर राटे टमेट पर उनसठ आलोचकों में से बयालीस परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.2 रही है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा गया है कि इस बॉलीवुड क्रास और कॉमेडी में हाई अटैक्शन डांसिंग और एक्शन द्वारा एक पतली कहानी छिपी हुई है तो मेटा क्रिटिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है ने बाईस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 44 का स्कोर दिया है जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है यूएसए टुडे की क्लासियोडिया उइंग ने कहा है कि यह एक भारतीय चीनी सिनेमाई मिश्र संवाद प्रसन्न करने योग्य है और मनोरंजक भी है लेकिन लंबे समय तक चलने वाला और कभी कभी आकर्षक है और अक्षय कुमार का शारीरिक रहस्य और हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है वैरायटी के जॉन एंडरसर ने लिखा है कि अगर चांदनी चौक टू चाइना एक व्यक्ति होता तो उसे वेलियम की आवश्यकता होती और पाया कि सब कुछ तेज और उग्र प्रफुल्लित करने वाला उन्मादपूर्ण और उन्नतम है कुछ अनुक्रम काफ़ी सुंदर हैं और दीपिका पातकोड़ के डांस नंबरों के मामले में आश्चर्यजनक है लेकिन यह एक लड़ाई के दृश्य हैं जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं न्यूजेंड के फ्रैंक लेवेस ने लिखा है कि पैन एशियाई म्यूजियम डिस की तुलना में बॉलीवुड बोन बोन कम भारतीय संगीत और चीनी चापसाकी का यह संयोजन भी है तो स्वादिष्ट और मजा भी है द फील्ड लिफिया और इनक्वायरर के स्टीवन राय ने कहा है कि चांदी चौक टू चाइना लगभग तीस मिनट तक मनोरंजक के रूप में ना समझ रहती है और फिर अगले दो घंटे से अधिक समय तक वो पीड़ादायक रहती है द ओनियन के स्काट टोबियास ने फिल्म को बेकूफ़ सिक्रोजो फिनिक संस्कृति के रूप में असंवेदनशील भयानक गति वाली और न्यूनतम आम भाजक का बढ़ावा देने में बेसर्म के रूप में वर्णित है जबकि इंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीवरमैन ने कहा है कि यह एक सरपट दौड़ने वाला हाथी है चापसा की रिवेज ऑफ द अर्ध संगीत में गीतात्मक कोरियोग्राफिक सुंदरता का अभाव है जिसने ऐसी स्टेट साइड बॉलीवुड रिलीज को भव्य लगान के रूप में चिन्हित किया है तो शिकागो ट्यूबेन के माइकल फिलिपिंस ने फिल्म को बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार के लिए एक विशाल और थका देने वाला शोकेस कहा है तो भारतीय समीक्षा तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की रेटिंग देते हुए एक बड़ी 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 गिरावट कहा है आई बी एन के राजीव मसन ने अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे थका देने वाली घड़ी बताया है तो फिल्म को एक पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है जिसमें मार्च 2009 में आयोजित तीसरे एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दीपिका पातकों को नामांकित किया गया था नेपाल में इस दावे के कारण फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था लुम्बनी जो बुद्ध का जन्म स्थान है नेपाल में स्थित है विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल में कई शो रद्द कर दिए गए थे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म दिखाने वाले सिनेमाई घरों को जलाने की धमकी दी थी और भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसी नस्ली टिप्पणियाँ की गई थी नेपाली वितरक द्वारा नेपाल में दिखाई गई फिल्म की प्रतियों में बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन के अंश को हटाने के बावजूद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था जिसे 22 जनवरी को नेपाली सिनेमाए गई थी नेपाल विवाद के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने कुछ अपमानजनक और असभ्य टिप्पणियों के साथ फिल्म की आलोचना की है उन्होंने ये भी कहा है कि यह फिल्म निखिल आडवाणी का एक नवसिखिया प्रयास है और इसे सबसे खराब फिल्म करार दिया है ज़्यादातर कुमार के समर्थकों खासकर निखिल आडवाणी ने कहा है कि सुमन के बेटे अध्ययन को उनकी फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज की रिलीज के लिए सुर्खियों में लाने के लिए एक प्रचार रंट था सुमन ने दावे का जवाब दिया है कि यह कोई प्रचारकार नहीं था और बाद में उन्होंने इसके लिए अक्षय कुमार से माफ़ी मांगी है चांदनी चौक टू चाइना का संगीत 4 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था इस एल्बम में शंकर एहसान लाय कैलाश परेश नरेश बप्पी लहड़ी बप्पी लहड़ी और बोहेमिया जैसे विविध संगीतकार शामिल थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक सिद्धू इसे गाया है कैलाश खेर कैलाश खेर जी ने और नंबर दो चांदी चौक टू चाइना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान राय नीरज धर अनुष्का मनचंदा शंकर महादेवन जी ने गाया है नंबर तीन इंडिया से आया तेरा दोस्त की इसे गाया है बप्पी लहरी रजत अरोड़ा और रवि के त्रिपाठी जी ने नंबर चार तेरा नैना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाय और शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल जी ने गाया है नंबर पाँच चक ले दे इसे गाया कैलाश खेर नरेश परेश जी नंबर छ चांदनी चौक टू चाइना इसे गाया है बोहेमिया और अक्षय कुमार आस्था गिल जी नंबर सात चांदनी चौक टू चाइना रीमेक्स इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाए और डी जे ए मिथक जी ने इसमें अपनी आवाज को बुलंद किया है नंबर आठ चक ले दे इसे गाया है कुमार कैलाश खेर ने डी जे ए मिथक ने नरेश परेश जी ने तो फ्रेंड्स बॉलीवुड हंगामा कॉम के जोगिंदर टुटेजा ने इसे पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग देते दे हुए कहा है कि चांदी चौक टू चाइना स्पष्ट टू चाइना फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी जी ने तो निखिल आडवाणी जी एक भारतीय निर्देशक निर्माता और पठक कथा लेखक हैं, जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने अपनी बहन मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ मनोरंजन कंपनी एमए एंटरटेनमेंट की सा स्थापना की है तो फ्रेंड्स इनका जन्म निखिल सुरेश आडवाणी जी का जन्म 28 अप्रैल 1971 को बंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनका व्यवसाय है निर्देशक निर्माता पटक कथा लेखक हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है सुपर्णा गुप्ता और इनके बच्चे हैं एक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का जन्म और पालन पोषण बॉम्बे महाराष्ट्र में भारत में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था उनके पिता एक सेवानिवृत्त पेशेवर हैं और जिन्होंने रसायन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम किया है और उनकी माँ एक विज्ञापन पेशेवर हैं उनके पिता सिंधी हैं जबकि मां महाराष्ट्रीय हैं उन्होंने ग्रीन लास् हाई स्कूल ब्रिज कैंडी में अध्ययन किया है और बाद में सेंट कॉलेज मुंबई से रसायन विज्ञान में स्नोत्तर किया है उन्होंने अपनी कॉलेज मित्र सुपर्णा गुप्ता से शादी की है जिनसे उनकी एक बेटी के है आडवाणी दिवंगत निर्माता एन एन सीपी के पोते और अभिनेता तुषार कपूर और निर्माता एकता कपूर के दूसरे चचेरे भाई हैं उनकी पत्नी सुपर्णा गुप्ता एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं अग्नि सामाजिक उद्यमिता के लिए अशोका फेलोशिप दो हज़ार नौ विजेता हैं उन्होंने हार्वर्ड कैंडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट दो हज़ार बारह में एडवर्ड एस मेसन फेलो के रूप में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और एक गैर लाभकारी संगठन आंगन की हिस्सा स्थापना की जो बाल तस्करी बाल विवाह पर काम करता है तो आइए जानते हैं निखिल आडवाणी जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का फिल्मी सफ़र और करियर पच्चीस साल से ज्यादा का है उन्होंने आर्ट हाउस फिल्म निर्देशकों सईद मिर्जा कुंदन शाह और सुधीर मिश्रा की सहायता करना शुरू किया इसके बाद उन्होंने करण जौहर के पिता दिवंगत एस जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स के तहत काम किए आडवाणी ने अब की शुरुआत नया नुक्कड़ उन्नीस के निर्देशन में सईद और अजीज मिर्जा की सहायता करके इस रात की सुबह नहीं सन उन्नीस के लिए सह पठक कथा लेखक के रूप में उनकी पहली पारी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया है तब तक वो एक सहायक निर्देशक थे और उन्होंने करण जौहर को उनकी पहली दो निर्देशित परियोजनाओं में कुछ कुछ होता है सन उन्नीस और कभी खुशी कभी गम 2001 में सहायता की थी नीलम सो सीक्वेंस के दौरान फराह खान के साथ आडवाणी ने कुछ कुछ होता है में अभिनय अतिथि की भूमिका निभाई थी और इसी तरह उन्होंने मोहब्बतें दो में आदित्य चोपड़ा की सहायता की है आडवाणी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म कल हो न हो 2003 से अपने निर्देशन की शुरुआत की है यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें जया बच्चन शाहरुख खान सैफली खान प्रीति जिंटा सुषमा सेठ रीमा लागू लिलेट दुबे ने अभिनय किया है और डेलनाज पाल सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और यह एक व्यावसायिक रूप से सफल रही है और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी यह कई विषयों के जाति विवाद और विवाह ला इलाज बीमारी और समलैंगिकता और समलैंगिक संबंधों के माध्यम से समलैंगिकता इसने 2004 में दो राष्ट्रीय पुरस्कार और आठ फिल्म फेयर पुरस्कार सहित तेरह अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार छह प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार तीन स्क्रीन पुरस्कार और दो जी सिने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं तो सलाम एस दो के लिए निखिल आडवाणी ने निर्देशन और पटक कथा लिखी है निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी इसमें सलमान खान प्रियंका चोपड़ा अनिल कपूर जूही चावला अक्षय खन्ना आयशा टाकिया जैसे कलाकार शामिल थे जान अब्राहम विद्या गोविंदा सैनन एसरा सोहेल खान और ईशा कोपिकर मुख्य भूमिकाओं में थी फिल्म अपने अंदर मौजूद लोगों के रिश्तों की बदौलत छह प्रेम कहानियों को एक साथ बुनती है यह फिल्म कल हो ना हो 2003 के बाद बुनती है और यह फिल्म आडवाणी की दूसरी निर्देशित फिल्म थी और हॉलीवुड फिल्म लव एक्चुअली 2003 की अनौपचारिक रीमेक थी 2009 में लिखिल आडवाणी ने चांदी चौक टू चाइना का निर्देशन किया है जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हांगकांग के एक्स सिनेमा अभिनेता गार्डन ल्यू के साथ अक्षय कुमार और दीपिका पातकोण मुख्य में थी फिल्म दिल्ली के चेय चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द घूमती है जो खुद वो चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाते हैं, क्योंकि एक पीड़ित गांव के निवासी उसे एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं फिल्म को अमेरिका में वितरित किया गया था और वार्नर ब्रदर्स द्वारा निर्मित किया गया था यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है इसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई और यह बॉक्स ऑफिस पर साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने मिलाप जेवरी द्वारा निर्देशित बॉलीवुड साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म जाने कहाँ से आई है दो का निर्माण किया है इसमें रितेश देशमुख जैकलीन फर्नाडीज, सोनल सहगल और रुसलाल मुमताज मुख्य भूमिका में हैं। 2009 में निखिल आडवाणी ने शीर्षक भूमिकाओं में ऋषि कपूर डिम्बल कपाड़िया अक्षय कुमार अनुष्का शर्मा अभिनीत पटियाला हाउस 2011 की कहानी और पटक कथा का निर्देशन और लेखन भी किया है निखिल आडवाणी की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता है जिनकी बच्चों की फिल्म दिल्ली सफारी दो भारत की पहली थ्री स्टीरियोस्कोपी इस एनिमेशन पिक्चर थी इसने वन्य जीव संरक्षण की वकालत की और वर्तमान में इसे हॉलीवुड में एक पूर्ण फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित किया है और इस रिलीज के बाद निखिल आडवाणी ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी एम में इंटरटेनमेंट बनाने के लिए मोनसा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साझेदारी की है एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली पिक्चर फिल्म थ्री डी थी जो डी ए आर मोशन पिक्चर के सहयोग से आडवाणी द्वारा निर्देशित फिल्म थी जो 19 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी जिसे कुछ पुरस्कारों के साथ सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी निखिल आडवाणी का हालिया निर्देशन एम एंटरटेनमेंट वायनर के तहत निर्मित किया गया था इसकी स्थापना मोनिशा आडवाणी मधु भोजवानी और उन्होंने खुद की प्रोडक्शन हाउस मुंबई की अग्रणी प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है जो पिक्चर फिल्मों और बेब दोनों के लिए नवीन और आकर्षक सामग्री तैयार करती है और वर्तमान में डिजनी ऑक्स स्टार इंडिया नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम और सोनी के साथ काम कर रही है तो एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन हाउस ने एयरलिफ्ट 2016 जैसी फिल्में रिलीज की हैं जिसमें अक्षय कुमार निमरत कौर ने अभिनय किया है जो पहली खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में सत्रह हजार भारतीयों की निकासी की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी एयरलिफ्ट का निर्माण टी सीरीज केप ऑफ गुड एम एंटरटेनमेंट में द्वारा किया गया है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली उनकी पहली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने यू मोशन पिक्चर्स के वायनल तरह सिद्धार्थ राय कपूर के साथ मिलकर एक रोमांटिक फिल्म कट्टी बट्टी 2015 का निर्माण और निर्देशन किया है इसमें इमरान खान और कंगना रानौत मुख्य भूमिका में थी अपनी अगली फिल्म के लिए निखिल आडवाणी ने हीरो 2015 का निर्देशन किया जो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसे उमेश बिष्ट और उन्होंने खुद लिखा था जो इसी नाम की सुभाष घई की उन्नीस की ब्लैक फिल्म थी और इस फिल्म का रीमेक फिल्म में नवोदित कलाकार सूरज पांचोली और आथिया शेट्टी ने अभिनय किया था निखिल आडवाणी की नवीनतम रिलीज बाटला हाउस 2019 थी जिसे रितेश शाह द्वारा लिखित और एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 19 सितंबर 2008 को हुए बाटला हाउस मुठभेड़ मामले से प्रेरित इस फिल्म में जान अब्राहम ने संजीव कुमार यादव नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है ये फिल्म मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की कहानी बताती है कहानी मुठभेड़ और इसके बाद भगोड़ों को पकड़ने और राष्ट्रव्यापी घृणा और तनाव विकास और विकार के निपटने के दौरान साबित करने के लिए संजीव के संजीवती है की नकली नहीं थी यह फिल्म भारत में 15 अगस्त सन 2019 को स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से सफल रही थी अपने निर्देशन कार्य के अलावा इन्होंने MBA, के तहत एयरलिफ्ट 2016 लखनऊ सेंटर 2017 सत्य में हो जाते 2018 दो 2018 अठारह मर जामा दो हजार उन्नीस इंदू की जवानी दो हजार बीस बेलबाटम दो हजार इक्कीस सत्य में उजैते टू दो हजार इक्कीस सन दो हजार बीस में निखिल आडवाणी ने, ने नेटफ्लिक्स के लिए अपनी पहली वेब श्रृंखला हसमुख का निर्माण और सा लेखन किया है इसका निर्देशन निखिल गोसलवे ने किया था और इसे सुपर्णा वर्मा वीरदास निखिल आडवाणी अमोघ रणदिवे और नीरज पांडे ने लिखा था वीरदास द्वारा हसमुख और रणवीर सौरी द्वारा जिमी के रूप में प्रस्तुत इस शो में अमृता राव बख्ची मंत्रा और रवि किशन मनोज पहावा जोआना रोबेक सेवा रजा मुराद सहित अन्य शामिल थे अदावनी के एम ए में, में अल्पाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर यह शो बनाया गया था सन 2000 बीस में छब्बीस नवंबर को आडवाणी ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए छब्बीस ग्यारह पर आधारित अपनी दूसरी बीप श्रृंखला मुंबई डायरीज छब्बीस ग्यारह की घोषणा की है इसका निर्देशन निखिल आडवाणी और निखिल गोसालवे ने दोनों ने किया था और इसमें मोहित रैना टीना देसाई सेन शर्मा श्रेया धनवंतरी प्रकाश बेलावड़ी मिसाल रहेजा सत्यजीत दुबे नताशा भरद्वाज और मंडमयी देश पांडे जैसे बड़े कलाकार थे इसे समीक्षकों की प्रशंसा के लिए 9 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था और ये प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी तो एम ए ने दो की एकता में एक उत्साह के लिए लघु फिल्म गुड्डू इंजीनियर 2016 का निर्माण किया भारत पाक एकता पर लक्षित यह रूमी की कविता पर आधारित थी आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं बल्कि केवल तलाश करना है और अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजें जो आपने इसके विरुद्ध बनाई है आडवाणी द्वारा निर्देशित गुड्डू इंजीनियर ने साठ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते हैं अमेजन प्राइम वीडियो ने अनपायर्ड अपार्टमेंट 2020 का अनावरण किया है जो महामारी के दौरान फिल्माई गई पांच हिंदी लघु फिल्मों का एक संकलन है और इसमें नई शुरुआत के बारे में कहानियां हैं ऐसी ही लघु फिल्म है आडवाणी द्वारा निर्देशित अपार्टमेंट जिसमें रचा चड्ढा सुमित व्यास और इशाक सिंह हैं और कथानक चड्ढा के चरित्र के पतन और अंतिम उत्थान पर केंद्रित है क्योंकि वो एक दोस्ताना पड़ोसी की मदद से अपने पति के अविवेक के साथ समझौता करती है एम के लिए एक घंटे की फिल्म शादीवादी एंड आल दैट नामक टीवी फिल्म जिसका निर्माण आडवाणी ने किया है यह ट्वीट के साथ एक प्रेम त्रिकोण है ये शो काशवी नायर के निर्देशन में पहला शो है जिन्होंने आडवाणी के साथ साथ निर्देशक के रूप में काम किया था निखिल आडवाणी के स्टार प्लस के लिए एक सीमित टीवी श्रृंखला पी ओ डब्ल्यू वंदी युद्ध का निर्देशन किया है यह शो इजरायली टी वी श्रृंखला हतम का आधिकारिक रूपांतरण है सीरीज का प्रीमियम सात नवंबर दो हजार सोलह को हुआ था कई बॉलीवुड हस्तियों ने ट्रेलर की सराहना की शो का प्रीमियम मामी फिल्म महोत्सव में किया गया था और इसके बाद गिदोन रैप के साथ बातचीत हुई थी अपने खाली समय में निखिल आडवाणी को बिट्टू सहगल के साथ काम करना अच्छा लगता है और वे सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे विविधता प्राकृतिक संरक्षण और बाघों को बचाने की वकालत करते हैं वो सिवेन डूंगपुर और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर क्लासिक फिल्मों की बहाली में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं वो बारो फिल्म नाइट के लिए आर्ट हाउस सिनेमा का संचालन करते हैं श्री लीला चटर्जी और महेश मथाई के साथ भी सहयोग करते हैं एक शौकीन फुटबॉलर प्रशंसक और वो मुंबई में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर क्लब की वकालत और प्रचार करने के लिए सारा व्हाइट पार्टनरशिप मार्केटिंग की प्रमुख पी एस सी सी सिटी फुटबॉलर मार्केटिंग के साथ काम करते हैं चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में अपने रोल को प्ले किया है दीपिका पातकोड़ जी ने उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं तो दीपिका पादकोण जी भारतीय अभिनेत्री हैं और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उनकी पहली स्क्रीन उपस्थिति पाँच में हिमी रेशमिया के संगीत है तेरा में किया था दीपिका पादकोण ने कन्नड़ कन्नड़ भाषा की फिल्म ऐश्वर्या दो हजार छः में शीर्षक भूमिका निभाकर अपनी फिल्म की शुरुआत की और उनकी पहली हिंदी फिल्म अगले वर्ष फराह खान की मेलो ड्रामा ओम शांति ओम उम्स के साथ रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सन दो में उनकी एकमात्र फिल्म भूमिका बचना ए हसीनों में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक थी दो में दीपिका पादकौण की पहली फिल्म कुंग फू कॉमेडी चांदी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन उनकी अगली रिलीज इम्तियाज अली के सैफली खान के साथ रोमांस लव आजकल सफल रही है 2010 में रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की पांच फिल्मों में से केवल कॉमेडी हाउसफुल की आर्थिक रूप से लाभदायक रही थी खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनकी दो की दोनों फिल्म रिलीज हुई थी आरक्षण और देसी बॉयज के साथ जारी रही थी तो होमी अदजानिया जानिया की कॉकटेल 2012 में एक आवेकशील पार्टी गर्ल की प्रशंसित भूमिका दीपिका पातकोण के लिए एक सफलता साबित हुई थी वर्ष 2013 में दीपिका पातकोण के लिए महत्वपूर्ण था जब उनकी सभी चार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी इनमें से दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में थी रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस संजय लीला भंसाली की दुखद रोमांस गोलियों की रसीला गोलियों की रास लीला रामलीला दो जूलियट पर आधारित किरदार निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है सन 2014 में दीपिका पादुकोण तमिल एनिमेशन फिल्म कोचा दैया में दिखाई दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डकैती फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक बार डांसर की भूमिका निभाई है अगले वर्ष उन्होंने सुजीत सरकार की कॉमेडी ड्रामा फूकू में एक जिद्दी बेटी की भूमिका निभाई है जिसने दीपिका पातकोण को फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है और संजय लीलाभंशाली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐतिहासिक फिल्म योद्धा में मस्तानी की भूमिका निभाई और रोमांस बाजी राव मस्तानी हॉलीवुड में दीपिका पादकों की पहली परियोजना एक्शन फिल्म रिटर्न ऑफ जेंडर के 2017 ने दुनिया भर में 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है सन 2018 में वो एक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म पद्मावत में संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म से जुड़ी जिसमें उन्होंने रानी पदमावती की शीर्षक भूमिका निभाई अभिनय से एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने छापक दो और तिरासी दो में उन्होंने छपाक 2020 और तिरासी 2021 में अभिनय किया है दोनों का निर्माण और उनकी अपनी कंपनी का प्रोडक्शन के तहत किया गया था लेकिन वे वित्तीय रूप से लाभदायक नहीं थे सन दो तेईस में दीपिका पातकोण ने एक्शन फिल्मों में पठान और जवान में शाहरुख खान के साथ फिर से काम किया है दोनों ने 10 मिलियन यूएस 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रिलीज बन गई थी दिल्ली के चांदी चौक में रहने वाले अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिन्हें दादा के नाम से जाना है। सालों सिद्धू बह और सब्जियां काटने में मिल रहे हैं जब उनकी चीनी मित्र एक दार्शनिक चापिस्ट उसे यह विश्वास दिलाती है कि वो मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू सिंह का पुनर्जन्म है तो सिद्धू ने झांगे जिले की यात्रा करने की जिम्मेदारी ली जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सूजी का नाम किसी अर्ध पागल भिखारी से दोस्तों से दोस्ती कर लो और वस्तुता अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मृत्यु का सामना करना होगा हमारे YouTube चैनल पे तो चांदनी चौक टू चाइना 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और इसमें अक्षय कुमार और दीपिका आपातकोण है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और हांगकांग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू भी शामिल हैं सितारे चीन में शूट होने के अलावा फिल्म के कई हिस्सों को बैकॉक थाईलैंड में शूट किया गया है हालांकि चीन के कुछ दृश्य संघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर शूट किए गए थे ये फिल्म दिल्ली के चांदी चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाता है क्योंकि एक उत... पीड़ित गांव के निवासी उसके से एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी जी ने और इस फिल्म की पटक कथा तैयार की है रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने और इस फिल्म की कहानी लिखी है रजत अरोड़ा और श्रीधर राघवन जी ने उत्पादित किया है रोहन सिप्पी और रमेश सिप्पी और मुकेश तलरेजा जी अभिनीत अभिनित किया है अक्षय कुमार दीपिका पाडको मिथुन चक्रवर्ती रणवीर सौरी रोजर युवान गार्डन लियू ने और इस फिल्म को संपादित किया है आरिफ शेख ने और इसे संपादित फिल्म को छायांकित किया है हिम्मन धमीजा और इस फिल्म को संपादित किया है आरिफ शेख जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर एस इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर एहसान लाय और कैलाश कैलाश खेर और नरेश परेश और पप्पी लहड़ी बप्पा लहड़ी और बोहेमिया जी ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है डैनियल वी ने उत्पादन कंपनी है रमेश सिपी इंटरटेनमेंट और पीपल टी इंटरटेनमेंट के तहत तो। और इस फिल्म को वितरित किया है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने तो फ्रेंड्स यह मूवी रिलीज हुई थी सोलह जनवरी सन दो को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस इस फिल्म फिल्म का का कुल कुल बजट था मिलियन और अगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 1.2 मिलियन यूएस तो 15 मिलियन का अमेरिका में वितरित और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सह निर्मित यह एक सोनी के सामरिया दो और वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के एनिमेटेड पिक्चर्स रोड साइड रोमियो 2008 के बाद एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ साझेदारी में बनाई गई थी विदित की गई थी और तीसरी बॉलीवुड फिल्म है ये वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है जिसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाफ रही थी इंडिया गेम्स ने फिल्म पर आधारित एक मोबाइल मोबाइल वीडियो गेम जारी किया था तो फैंस बिना देरी के इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो फिल्म की शुरुआत होती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक योद्धा लियू सेंग के साथ जो युद्ध की कहानी से होती है यह इतने वर्षों के बाद झांगे गांव में दुष्ट होजो के अत्याचार को भी दर्शाता है सिंधेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदी चौक इलाके में सड़क के किनारे खाने की दुकान पर सब्जी काटने वाला एक मामूली व्यक्ति है जो अपने पालक पिता दादा के उपदेशों के बावजूद ज्योतिषों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो अजनवी उसे युद्ध नायक ल्यू सेंग के पुनर्जन्म के रूप में दावा करते हैं और उसे चीन ले जाते हैं तो चालबाज चापिस्ट द्वारा प्रोत्साहित भी किए गए हैं सिद्धू का मानना है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा वो तस्कर होजो की हत्या के लिए अपनी भर्ती से अनजान है तो सिद्धू चापिस्ट के साथ चीन की यात्रा करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है जिन्हें सुश्री टेली सापर्स मीडिया या सुश्री टी एस एम के नाम से जाना जाता है जो चीन में दिखाई देती हैं उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल पेटल मेो मेो के नाम से भी जाना जाता है होजो के लिए काम करती है और उसे नहीं पता है कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश की थी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सिद्धू शुरू में होजो से बच निकलता है हालांकि सिद्धू को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई का एहसास होता है दुखी होकर सिद्धू ने होजो से माफी मांगी तभी दादा आते हैं और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देते हैं होजो दादा को मार देता है और सिद्धू एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में सामने आ जाता है इसके अलावा होजू द्वारा उसे पीटा जाता है और उस पर पेशाब किया जाता है घायल और अपमानित सिद्धू ने बदला लेने की कसम खाई तीन महीने बाद सिद्धू का सामना एक भूलने वाले आमारा व्यक्ति से होता है जिसे वो बाद में इंस्पेक्टर चियांग के रूप में सखी के रूप में पहचानता है चियांग ने बाद में अपनी यादाश्त वापस पा ली है और सिद्धू को कुंग फू का प्रशिक्षण दिया है तो जब होजो फिर से सिद्धू से मिलता है तो सूजी चियांग को घायल कर देती है लेकिन सखी को देखकर कर होजो को धोखा देता है सिद्धू होजो से एक एकल युद्ध में लड़ता है और अंत में उस पर काबू पाने के लिए संशोधित सब्जी काटने की तकनीकी का उपयोग करता है एक बड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार सिद्धू ने होजो को मार डाला पिग मीच के लिए लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है तो फिंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो सिद्धेश सिद्धू शर्मा लियो सेंग के रूप में अक्षय कुमार दोहरी भूमिका में हैं सखी मिस्टी एस एम और सूजी म्याओं म्याओं के रूप में दीपिका पादकोंट दोहरी भूमिका में हैं चाविष्ट के रूप में रणवीर सौरी है दादा श्री शर्मा के रूप में मिथुन चक्रवर्ती है रोजर युवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कोहंग के रूप में हैं, होजो के रूप में गार्डन लियू हैं, चियांग की पत्नी के रूप में किरण जुनेजा हैं, फ्रेंकी के रूप में केविन बू हैं और जाय के रूप में कानन स्टीवंस हैं। फिल्म जिसे पहले मेरा नाम चीन चीन चू और मेड इन चाइना के नाम से भी जाना जाता है श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई है शूटिंग जनवरी 2008 में हुई और इसमें चीनू में शामिल किया गया था तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो चांदी चौक टू चाइना ने अपनी शुरुआती सप्ताह में 330 मिलियन यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और इसने भारत में कुल मिलाकर 407 मिलियन यूएस 5.1 मिलियन की कमाई की है चार सप्ताह तक चलने के दौरान फिल्म की उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई नौ लाख इक्कीस हज़ार सात सौ अड़तीस थी और दुनिया भर में कुल कमाई तेरह हज़ार तेरह करोड़ तैंतालीस लाख नौ हजार चारो अस्सी थी तो आइए जानते हैं इस फिल्म के समीक्षा के बारे में स्वीकृता के बारे में और आलोचना तो आइए जानते हैं इस फिल्म की स्वीकृति रेटिंग के बारे में तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर राइट एंड पर उनसठ आलोचकों में से बयालीस परसेंट समीक्षाएँ सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.2 रही है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा गया है कि इस बॉलीवुड क्रास और कॉमेडी में हाई अटैक्शन डांसिंग और एक्शन द्वारा एक पतली कहानी छिपी हुई है तो मेटा क्रिटिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है ने बाईस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 44 का स्कोर दिया है जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है यूएसए टुडे की क्लासियोडिया पुइंग ने कहा है कि यह एक भारतीय चीनी सिनेमाई मिश्रण संवाद प्रसन्न करने योग्य है और मनोरंजक भी है लेकिन लंबे समय तक चलने वाला और कभी कभी आकर्षक है और अक्षय कुमार का शारीरिक रहस्य और हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है वैरायटी के जॉन एंडरसर ने लिखा है कि अगर चांदनी चौक टू चाइना एक व्यक्ति होता तो उसे वेलियम की आवश्यकता होती और पाया की सब कुछ तेज और उग्र प्रफुल्लित करने वाला उन्मादपूर्ण और उन्नतम है कुछ अनुक्रम काफ़ी सुंदर हैं और दीपिका पातकोड़ के डांस नंबरों के मामले में आश्चर्यजनक है लेकिन यह एक लड़ाई के दृश्य हैं जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड के फ्रैंक लेवेस ने लिखा है कि पैन एशियाई म्यूजियम डिस की तुलना में बॉलीवुड बोन बोन कम भारतीय संगीत और चीनी चापसाकी का यह संयोजन भी है तो स्वादिष्ट और मजा भी है द फील्ड लिफिया और इनक्वायरर के स्टीवन राय ने कहा है कि चांदी चौक टू चाइना लगभग तीस मिनट तक मनोरंजक के रूप में ना समझ रहती है और फिर अगले दो घंटे से अधिक समय तक वो पीड़ादायक रहती है द ओनियन के स्काट टोबियास ने फिल्म को बेकूफ़ सिक्रोजो फिनिक संस्कृति के रूप में असंवेदनशील भयानक गति वाली और न्यूनतम आम भाजक का बढ़ावा देने में बेशर्म के रूप में वर्णित है जबकि इंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लिवरमैन ने कहा है कि यह एक सरपट दौड़ने वाला हाथी है चापसा की रिवेज ऑफ द अर्ध संगीत में गीतात्मक कोरियोग्राफिक सुंदरता का अभाव है जिसने ऐसी स्टेट साइड बॉलीवुड रिलीज को भव्य लगान के रूप में चिन्हित किया है तो शिकागो ट्यूबेन के माइकल फिलिपिंस ने फिल्म को बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार के लिए एक विशाल और थका देने वाला शोकेस कहा है तो भारतीय समीक्षा तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की रेटिंग देते हुए एक बड़ी 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 गिरावट कहा है आई बी एन के राजीव मसन ने अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे थका देने वाली घड़ी बताया है तो फिल्म को एक पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है जिसमें मार्च 2009 में आयोजित तीसरे एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दीपिका पातकों को नामांकित किया गया था नेपाल में इस दावे के कारण फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था लुम्बनी जो बुद्ध का जन्म स्थान है नेपाल में स्थित है विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल में कई शो रद्द कर दिए गए थे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म दिखाने वाले सिनेमाई घरों को जलाने की धमकी दी थी और भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसी नस्ली टिप्पणियाँ की गई थी नेपाली वितरक द्वारा नेपाल में दिखाई गई फिल्म की प्रतियों में बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन के अंश को हटाने के बावजूद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था जिसे 22 जनवरी को नेपाली सिनेमाएम गई थी नेपाल विवाद के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने कुछ अपमानजनक और असभ्य टिप्पणियों के साथ फिल्म की आलोचना की है उन्होंने ये भी कहा है कि यह फिल्म निखिल आडवाणी का एक नवसिखिया प्रयास है और इसे सबसे खराब फिल्म करार दिया है ज़्यादातर कुमार के समर्थकों खासकर निखिल आडवाणी ने कहा है कि सुमन के बेटे अध्ययन को उनकी फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज की रिलीज के लिए सुर्खियों में लाने के लिए एक प्रचार रंट था सुमन ने दावे का जवाब दिया है कि यह कोई प्रचारकार नहीं था और बाद में उन्होंने इसके लिए अक्षय कुमार से माफ़ी मांगी है चांदनी चौक टू चाइना का संगीत 4 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था इस एल्बम में शंकर एहसान लाय कैलाश परेश नरेश बप्पी लहड़ी बप्पी लहड़ी और बोहेमिया जैसे विविध संगीतकार शामिल थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल गाने हैं आठ जो इस प्रकार हैं नंबर एक सिद्धू इसे गाया है कैलाश खेर कैलाश खेर जी ने और नंबर दो चांदनी चौक टू चाइना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान राय नीरज धर अनुष्का मनचंदा शंकर महादेवन जी ने गाया है नंबर तीन इंडिया से आया तेरा दोस्त की इसे गाया है बप्पी लहरी रजत अरोड़ा और रवि के त्रिपाठी जी ने नंबर चार तेरा नैना इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाय और शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल जी ने गाया है नंबर पाँच चक ले दे इसे गाया कैलाश खेर नरेश परेश जी नंबर छ चांदनी चौक टू चाइना इसे गाया है बोहेमिया और अक्षय कुमार आस्था गिल जी नंबर सात चांदनी चौक टू चाइना रीमेक्स इसे रजत अरोड़ा शंकर एहसान लाए और डी जे ए मिथक जी ने इसमें अपनी आवाज को बुलंद किया है नंबर आठ चक ले दे इसे गाया है कुमार कैलाश खेर ने डी जे ए मिथक ने नरेश परेश जी ने तो फ्रेंड्स बॉलीवुड हंगामा कॉम के जोगिंदर टुटेजा ने इसे पाँच में से साढ़े तीन की रेटिंग देते दे हुए कहा है कि चांदी चौक टू चाइना स्पष्ट रूप से अगली म्यूजिकल हिट फिल्म होगी चांदी चौक टू चाइना फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी जी ने तो निखिल आडवाणी जी एक भारतीय निर्देशक निर्माता और पठक कथा लेखक हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने अपनी बहन मोनिसा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ मनोरंजन कंपनी एम एंटरटेनमेंट की सा स्थापना की है तो फ्रेंड्स इनका जन्म निखिल सुरेश आडवाणी जी का जन्म 28 अप्रैल 1971 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनका व्यवसाय है निर्देशक निर्माता पठक कथा लेखक हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है सुपर्णा गुप्ता और इनके बच्चे हैं एक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का जन्म और पालन पोषण बॉम्बे महाराष्ट्र में भारत में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था उनके पिता एक सेवानिवृत्त पेशेवर हैं और जिन्होंने रसायन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम किया है और उनकी मां एक विज्ञापन पेशेवर हैं उनके पिता सिंधी हैं जबकि माँ महाराष्ट्रियन हैं उन्होंने ग्रीन लांस हाई स्कूल, व्रिज कैंडी में अध्ययन किया है और बाद में सेंट जोबर्स कॉलेज मुंबई से रसायन विज्ञान में स्नोत्तर किया है उन्होंने अपनी कॉलेज मित्र सुपर्णा गुप्ता से शादी की है जिनसे उनकी एक बेटी क्या है आडवाणी दिवंगत निर्माता एन एन के पोते और अभिनेता तुषार कपूर और निर्माता एकता कपूर के दूसरे चचेरे भाई हैं उनकी पत्नी सुपर्णा गुप्ता एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं अग्नि सामाजिक उद्यमिता के लिए अशोका फेलोशिप दो हजार नौ की विजेता हैं उन्होंने हार्वर्ड कैंडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट दो हज़ार बारह में एडवर्ड एस मेसन फेलो के रूप में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और एक गैर लाभकारी संगठन आंगन की हिस्सा स्थापना की जो बाल तस्करी बाल विवाह पर काम करता है और बाल श्रम पर तो आइए जानते हैं निखिल आडवाणी जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में तो निखिल आडवाणी जी का फिल्मी सफर और करियर पच्चीस साल से ज्यादा का है उन्होंने आर्ट हाउस फिल्म निर्देशकों सईद मिर्जा कुंदन शाह और सुधीर मिश्रा की सहायता करना शुरू किया इसके बाद उन्होंने करण जौहर के पिता दिवंगत एस जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स के तहत काम थे आडवाणी ने अपनी शुरुआत नया नुक्कड़ उन्नीस के निर्देशन में सईद और अचीज मिर्जा की सहायता करके इस रात की सुबह नहीं सन उन्नीस के लिए सह पटक लेखक के रूप में उनकी पहली पारी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया है तब तक वो एक सहायक निर्देशक थे और उन्होंने करण जौहर को उनकी पहली दो निर्देशित परियोजनाओं में कुछ कुछ होता है सन उन्नीस और कभी खुशी कभी गम 2001 में सहायता की थी नीलम सो सीक्वेंस के दौरान फराह खान के साथ आडवाणी ने कुछ कुछ होता है में अभिनय अतिथि की भूमिका निभाई थी और इसी तरह उन्होंने मोहब्बतें दो में आदित्य चोपड़ा की सहायता की है आडवाणी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म कल हो न हो 2003 से अपने निर्देशन की शुरुआत की है यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें जया बच्चन शाहरुख खान सैफली खान प्रीति जिंटा सुषमा सेठ रीमा लागू लिलेट दुबे ने अभिनय किया है और डेलनाज पाल सहायक भूमिकाओं में है फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और यह ये ये एक व्यवसायिक रूप से सफल रही है और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी यह कई विषयों के जाति विवाद और विवाह ला इलाज बीमारी और समलैंगिकता और समलैंगिक संबंधों के माध्यम से समलैंगिकता इसने 2004 में दो राष्ट्रीय पुरस्कार और आठ फिल्म फेयर पुरस्कार सहित तेरह अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार छह प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार तीन स्क्रीन पुरस्कार और दो जी सिने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं तो सलाम एश्क दो के लिए निखिल आडवाणी ने निर्देशन और पटक कथा लिखी है निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी इसमें सलमान खान प्रियंका चोपड़ा अनिल कपूर जूही चावला अक्षय खन्ना आयशा टाकिया जैसे कलाकार शामिल थे जान अब्राहम विद्या गोविंदा सैनन एसरा सोहेल खान और ईशा कोपिककर मुख्य भूमिकाओं में थी फिल्म अपने अंदर मौजूद लोगों के रिश्तों की बदौलत छह प्रेम कहानियों को एक साथ बुनती है यह फिल्म आडवाणी की दूसरी निर्देशित फिल्म थी और हॉलीवुड फिल्म लव एक्चुअली 2003 की अनौपचारिक रीमेक थी 2009 में निखिल आडवाणी ने चांदी चौक टू चाइना का निर्देशन किया है जो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हांगकांग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू के साथ अक्षय कुमार और दीपिका पातकोण मुख्य में थी फिल्म दिल्ली के चौक के एक सब्जी काटने वाले के है, जो खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाते हैं क्योंकि एक पीड़ित गांव के निवासी उसे एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म मानते हैं फिल्म को अमेरिका में वितरित किया गया था और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सह निर्मित किया गया था यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है इसे सोलह जनवरी दो को रिलीज हुई और यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने मिलाप जेवरी द्वारा निर्देशित बॉलीवुड साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म जाने कहा से आई है 2010 का निर्माण किया है इसमें रितेश देशमुख जैकलीन फर्नांडीज सोनल सहगल और मुमताज मुख्य भूमिका में हैं। 2009 में निखिल आडवाणी ने शीर्षक भूमिकाओं में ऋषि कपूर डिम्बल कपाड़िया अक्षय कुमार अनुष्का शर्मा अभिनीत पटियाला हाउस 2011 की कहानी और पटक कथा का निर्देशन और लेखन भी किया है निखिल आडवाणी की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता है जिनकी बच्चों की फिल्म दिल्ली सफारी दो भारत की पहली थ्री स्टीरियोस्कोपी एनिमेशन पिक्चर थी इसने वन्य जीव संरक्षण की वकालत की और वर्तमान में इसे हॉलीवुड में एक पूर्ण फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित किया है और इस रिलीज के बाद निखिल आडवाणी ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी एम एंटरटेनमेंट बनाने के लिए मोनसा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साझेदारी की है एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली पिक्चर फिल्म थ्री डी थी जो डी ए आर मोशन पिक्चर के सहयोग से आडवाणी द्वारा निर्देशित फिल्म थी जो 19 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी जिसे कुछ पुरस्कारों के साथ सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी निखिल आडवाणी का हालिया निर्देशन एम एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित किया गया था जिसकी स्थापना मोनिशा आडवाणी मधु भोजवानी और उन्होंने खुद की प्रोडक्शन हाउस मुंबई की अग्रणी प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है जो पिक्चर फिल्मों और बेब दोनों के लिए नवीन और आकर्षक सामग्री तैयार करती है और वर्तमान में डिजनी हॉक्स स्टार इंडिया नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम और सोनी के साथ काम कर रही है तो एम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन हाउस ने एयरलिफ्ट दो जैसी फिल्में रिलीज की हैं जिसमें अक्षय कुमार निम्रत कौर ने अभिनय किया है जो पहली खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में सत्रह हजार भारतीयों की निकासी की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी एयरलिफ्ट का निर्माण टी सीरीज केप ऑफ गुड एम एंटरटेनमेंट में, में अम्बोडिसिया इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली उनकी पहली फिल्म थी इसके बाद निखिल आडवाणी ने यू टी मोशन पिक्चर्स के वायरल सिद्धार्थ राय कपूर के साथ मिलकर एक रोमांटिक फिल्म कट्टी बट्टी 2015 का निर्माण और निर्देशन किया है इसमें इमरान खान और कंगना रानौत मुख्य भूमिका में थी अपनी अगली फिल्म के लिए निखिल आडवाणी ने हीरो 2015 का निर्देशन किया जो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसे उमेश बिष्ट और उन्होंने खुद लिखा था जो इसी नाम की सुभाष गह की उन्नीस की ब्लैक बोस्टर फिल्म थी और इस फिल्म का रीमेक फिल्म में नवोदित कलाकार सूरज पांचोली और आथिया सेट्टी ने अभिनय किया था निखिल आडवाणी की नवीनतम रिलीज बाटला हाउस 2019 थी जिसे रितेश शाह द्वारा लिखित और एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 19 सितंबर 2008 को हुए बाटला हाउस मुठभेड़ मामले से प्रेरित इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने संजीव कुमार यादव नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है ये फिल्म मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की कहानी बताती है कहानी मुठभेड़ और इसके बाद भगोड़ों को पकड़ने और राष्ट्रव्यापी घृणा और अविघातजन तनाव विकास और विकार के निपटने के दौरान ये साबित करने के लिए संजीव के संघर्षाती है की नकली नहीं थी यह फिल्म भारत में 15 अगस्त सन 2019 को स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से सफल रही थी अपने निर्देशन कार्य के अलावा उन्होंने एमबे वैनर के तहत एयरलिफ्ट 2016 लखनऊ सेंटर 2017 हजार सत्रह सत्य में उजैते दो बाजार 2018 हज़ार अठारह मर जामा दो हजार उन्नीस इंदू की जवानी दो हजार बीस बेलबाटम दो हजार इक्कीस सत्य में उजैते टू दो हजार इक्कीस सन 2020 में निखिल आडवाणी ने नेटफ्लिक्स के लिए अपनी पहली वेब श्रृंखला हसमुख का निर्माण और सा लेखन किया है इसका निर्देशन निखिल गोसलवे ने किया था और इसे सुपर्णा वर्मा वीरदास निखिल आडवाणी अमोघ रणदिवे और नीरज पांडे ने लिखा था वीरदास द्वारा हसमुख और रणवीर सौरी द्वारा जिमी के रूप में प्रस्तुत इस शो में अमृता राव बग्ची मंत्रा और रवि किशन मनोज पहावा जोआना सेवा रजा मुराद सहित अन्य शामिल थी अदावनी के एम ए इंटरटेनमेंट में अल्पाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर यह शो बनाया गया था सन 2020 में 26 नवंबर को आडवाणी ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए 26 ग्यारह पर आधारित अपनी दूसरी बीब श्रृंखला मुंबई डायरी छब्बीस ग्यारह की घोषणा की है इसका निर्देशन निखिल आडवाणी और निखिल गोसाल ने दोनों ने किया था और इसमें मोहित रैना टीना देसाई सेन शर्मा श्रेया धनवंतरी प्रकाश बेलावड़ी मिसाल रहेजा सत्यजीत दुबे नताशा भरद्वाज और मंडमयी देश पांडे जैसे बड़े कलाकार थे इसे समीक्षकों की प्रशंसा के लिए 9 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था और ये प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी तो एम ने 2016 की एकता में एक उत्साह के लिए लघु फिल्म गुड्डू इंजीनियर 2016 का निर्माण किया भारत पाक एकता पर लक्षित यह रूमी की कविता पर आधारित थी आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं बल्कि केवल तलाश करना है और अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजे जो आपने इसके विरुद्ध बनाई है आडवाणी द्वारा निर्देशित गुड्डू इंजीनियर ने साठ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते हैं अमेजन प्राइम वीडियो ने अनपायर्ड अपार्टमेंट 2020 का अनावरण किया है जो महामारी के दौरान फिल्माई गई पांच हिंदी लघु फिल्मों का एक संकलन है और इसमें नई शुरुआत के बारे में कहानियाँ हैं ऐसी ही लघु फिल्म है आडवाणी द्वारा निर्देशित अपार्टमेंट जिसमें रचा चड्ढा सुमित व्यास और ईशा सिंह हैं और कथानक चड्ढा के चरित्र के पतन और अंतिम उत्थान पर केंद्रित है क्योंकि वो एक दोस्ताना पड़ोसी की मदद से अपने पति के अविवेक के साथ समझौता करती है एम के लिए एक घंटे की फिल्म शादीवादी एंड आल दैट नामक टीवी फिल्म जिसका निर्माण आडवाणी ने किया है यह ट्वीट के साथ एक प्रेम त्रिकोण है यह शो काशवी नायर के निर्देशन में पहला शो है जिन्होंने आडवाणी के साथ साथ निर्देशक के रूप में काम किया था निखिल आडवाणी के स्टार प्लस के लिए एक सीमित टीवी वी श्रृंखला पी ओ डब्लू वंदी युद्ध का निर्देशन किया है यह शो इजरायली टी वी श्रृंखला हतम फिम का आधिकारिक रूपांतरण है सीरीज का प्रीमियम सात नवंबर दो को हुआ था कई बॉलीवुड हस्तियों ने ट्रेलर की सराहना की शो का प्रीमियम मामी फिल्म महोत्सव में किया गया था और इसके बाद गिदोन रैप के साथ बातचीत हुई थी अपने खाली समय में निखिल आडवाणी को बिट्टू सहगल के साथ काम करना अच्छा लगता है और वे सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे विविधता प्राकृतिक संरक्षण और बाघों को बचाने की वकालत करते हैं वो सीवेन डूंगपुर और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर क्लासिक फिल्मों की बहाली में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं वो बारो फिल्म नाइट के लिए आर्ट हाउस सिनेमा का संचालन करते हैं श्री लीला चटर्जी और महेश मथाई के साथ भी सहयोग करते हैं एक शौकीन फुटबॉलर प्रशंसक और वो मुंबई में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर क्लब की वकालत और प्रचार करने के लिए सारा वाइट पार्टनरशिप मार्केटिंग की प्रमुख पी सिटी फुटबॉलर मार्केटिंग के साथ काम करते हैं चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में चांदनी टू चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में अपने रोल को प्ले किया है दीपिका पातकोण जी ने उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं तो दीपिका पातकोड़ जी भारतीय अभिनेत्री हैं और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं उनकी पहली स्क्रीन उपस्थिति पाँच में हिमेश रेशमिया के संगीत है तेरह में किया था दीपिका पातकोर ने कन्नड़ कन्नड़ भाषा की फिल्म ऐश्वर्या 2006 में शीर्षक भूमिका निभाकर अपनी फिल्म की शुरुआत की और उनकी पहली हिंदी फिल्म अगले वर्ष फराह खान की मेलो ड्रामा ओम शांति ओम के साथ रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सन दो में उनकी एकमात्र फिल्म भूमिका बचाना ए बचना ए हसीनों में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक थी 2009 में दीपिका पातकोण की पहली फिल्म कुंग फू कमेडी चांदी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर फलाप साबित हुई थी लेकिन उनकी अगली रिलीज़ इम्तियाज अली के सैफली खान के साथ रोमांस लव आजकल सफल रही है 2010 में रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की पांच फिल्मों में से केवल कॉमेडी हाउसफुल की आर्थिक रूप से लाभदायक रही थी खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनकी दो की दोनों फिल्म रिलीज हुई थी आरक्षण और देसी बॉयज के साथ जारी रही थी तो होमी अदजानिया की कॉकटेल 2012 में एक अवेकशील पार्टी गर्ल की प्रशंसित भूमिका दीपिका पातकोण के लिए एक सफलता साबित हुई थी वर्ष 2013 में दीपिका पातकोण के लिए महत्वपूर्ण था जब उनकी सभी चार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी इनमें से दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में थी रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस संजय लीला भंसाली की दुखद रोमांस गोलियों गोलियों की रास रामलीला दो हजार तेरह जूलियट पर आधारित किरदार निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है सन 2014 चौदह में दीपिका पादुकोण तमिल एनिमेशन फिल्म कोचा दैया में दिखाई दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डकैती फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक बार डांसर की भूमिका निभाई है अगले वर्ष उन्होंने सुजीत सरकार की कॉमेडी ड्रामा फूकू में एक जिद्दी बेटी की भूमिका निभाई है जिसने दीपिका पातकोर को फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है और संजय लीलाभंशाली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐतिहासिक फिल्म योद्धा में मस्तानी की भूमिका निभाई और रोमांस बाजी राव मस्तानी हॉलीवुड में दीपिका पादकुंड की पहली परियोजना एक्शन फिल्म रिटर्न ऑफ जेंडर के 2017 ने दुनिया भर में 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है सन 2018 में वो एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म पद्मावत में संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म से जुड़ी जिसमें उन्होंने रानी पदमावती की शीर्षक भूमिका निभाई अभिनय से एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने छापक 2020 और तिरासी 2011 में उन्होंने छपाक 2020 और तिरासी 2021 में अभिनय किया है दोनों का निर्माण और उनकी अपनी कंपनी का प्रोडक्शन के तहत किया गया था लेकिन वे वित्तीय रूप से लाभदायक नहीं थी सन दो तेईस में दीपिका पादकोण ने एक्शन फिल्मों में पठान और जवान में शाहरुख खान के साथ फिर से काम किया है दोनों ने 10 मिलियन यूएस 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रिलीज बन गई थी दिल्ली के चांदी चौक में रहने वाले अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिन्हें दादा के नाम से जाना, जाना है सालों सिद्धू बह और सब्जियां काटने में रहे जब उनकी चीनी मित्र एक दार्शनिक चापस्ट उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि वो मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू सिंह का पुनर्जन्म है तो सिद्धू ने झांगे जिले की यात्रा करने की जिम्मेदारी ली जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सूजी का नाम किसी अर्ध पागल भिखारी से दोस्तों से दोस्ती कर लो और वस्तुता अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मृत्यु का सामना करना होगा ये हमारे YouTube चैनल पे तो चांदनी चौक टू चाइना 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और इसमें अक्षय कुमार और दीपिका पातकोण है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और हांगकांग के एक्शन सिनेमा अभिनेता गार्डन लियू भी शामिल हैं सितारे चीन में शूट होने के अलावा फिल्म के कई हिस्सों को बैकाक थाईलैंड में शूट किया गया है हालांकि चीन के कुछ दृश्य संघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर शूट किए गए थे ये फिल्म दिल्ली के चांदी चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को चीन में एक साहसिक यात्रा पर पाता है क्योंकि एक उत... पीड़ित गांव के निवासी उससे एक मारे गए निखिल आडवाणी जी ने और श्रीधर राघवन ने कहानी लिखी है रजत राघवन जी ने उत्पादित किया है रोहन सिप्पी और रमेश सिप्पी और मुकेश तलरेजा जी ने अभिनित किया है अक्षय कुमार दीपिका पादकोर मिथुन चक्रवर्ती रणवीर सौरी रोजर युवान गार्डन लियू ने और इस फिल्म को संपादित किया है आरिफ शेख ने और इसे संपादित किया है फिल्म को छायांकित किया है हिमन धमीजा और इस फिल्म को संपादित किया है आरिफ शेख जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर एस सहल इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर एहसान लाय और कैलाश कैलाश खेर और नरेश परेश और पप्पी लहड़ी बप्पा लहड़ी और बोहेमिया जी ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है डैनियल वी जार्जनी उत्पादन कंपनी है रमेश सिपी इंटरटेनमेंट और पीपल टी इंटरटेनमेंट के तहत तो। और इस फिल्म को वितरित किया है वार्न ब्रदर्स पिक्चर्स ने तो भैंस यह मूवी रिलीज हुई थी 16 जनवरी सन दो को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 800 मिलियन का और अगर इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट था वन मिलियन यू एस मिलियन का अमेरिका में वितरित और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सहनिर्मित यह एक सोनी के सामारिया 2007 और वर्ल्ड डिजनी पिक्चर्स के एनिमेटेड पिक्चर्स रोड साइड रोमियो 2008 के बाद एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ साझेदारी में बनाई गई थी विदित की गई थी और तीसरी बॉलीवुड फिल्म है यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की पहली हिंदी फिल्म है जिसे 16 जनवरी 2009 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाप रही थी इंडिया गेम्स ने फिल्म पर आधारित एक मोबाइल मोबाइल वीडियो गेम जारी किया था तो फ्रेंड्स बिना देरी के इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो फिल्म की शुरुआत होती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक योद्धा लियू सेंग के साथ जो युद्ध की कहानी से होती है यह इतने वर्षों के बाद झांगे गांव में दुष्ट हो जो के अत्याचार को भी दर्शाता है सिंधेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदी चौक इलाके में सड़क के किनारे खाने की दुकान पर सब्जी काटने वाला एक मामूली व्यक्ति है जो अपने पालक पिता दादा के उपदेशों के बावजूद ज्योतिषों टेरो कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो अजनवी उसे युद्ध नायक लियू सेंग के पुनर्जन्म के रूप में दावा करते हैं और उसे चीन ले जाते हैं तो चालबाज चापिस्ट द्वारा प्रोत्साहित भी किए गए हैं सिद्धू का मानना है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा वो तस्कर हो जो की हत्या के लिए अपनी भर्ती से अनजान है तो सिद्धू चापिस्ट के साथ चीन की यात्रा करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है जिन्हें सुश्री टेली सापर्स मीडिया या सुश्री टी एस एम के नाम से जाना जाता है जो चीन में दिखाई देती हैं उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल पेटल मेओ मेओ के नाम से भी जाना जाता है होजो के लिए काम करती है और उसे नहीं पता है कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश की थी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सिद्धू शुरू में होजो से बच निकलता है हालांकि सिद्धू को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई का एहसास होता है दुखी होकर सिद्धू ने होजो से माफी